किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें, किसान ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार नीलेश जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपना वीडियो ऑन करें और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। यस यस। आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा, निदेशक राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर, डॉक्टर रमेश कुमार, वैज्ञानिक CIH बीकानेर, डॉक्टर मंजुनाथ जी, एसोसिएट प्रोफेसर UHS बागलकोट, डॉक्टर फाल्गुन मोड, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मेहसाना गुजरात, मेरे संस्थान के मेरे साथी डॉक्टर दिनेश बाबू, डॉक्टर मेशराम, डॉक्टर मैथी और अन्य सारे साथी वर्ग, और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज आप सभी को इस वेबिनार में सभी का स्वागत है। आज हमारे राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ने 15 साल की अपनी कार्य की ये कंप्लीट किए है, 15 साल हमने हमारे, और आज हम 16वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये 16वां स्थापना दिवस मनाने के लिए इस अवसर पर हमने 24, 25 और 26 तारीख को एक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, विविध अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। आज उसमें सबसे पहली कड़ी शुरू होने जा रही है 24 तारीख की, 24 सितंबर की, और इस कड़ी में ये जो सेमिनार है वो पर्टिकुलरली है भारत में अनार की खेती के परिदृश्य पर, इस विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार हमारे कर रहे हैं। इसमें पहले दिन हम डिफरेंट स्टेट्स के जो एक्सपर्ट्स है, उसमें राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ और कर्नाटका हुआ, यहाँ के एक्सपर्ट से उन स्टेट्स के अनार की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे, और उसके बाद किसानों के साथ सीधे रूबरू होंगे हमारे वैज्ञानिक और उनके सवालों के जवाब देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। दूसरे दिन मुख्य दिन पर भी कार्यक्रम रखे हुए हैं, जो कि हमारा स्थापना दिवस है, जो 25 सितंबर हमारा संस्थान का स्थापना दिवस है, उस दिन पर भी कई कार्यक्रम का ये प्रेजेंटेशंस का अरेंजमेंट किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। और तीसरे दिन हमारे संस्थान के ही वैज्ञानिक 3 अलग अलग विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं हमारे संस्थान के निदेशिका डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा मैडम को विनती करता हूँ कि वो 2 शब्द बोले किसान भाइयों के लिए। मैडम नमस्कार जी, आज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने किसान भाई जो जुड़े होंगे अलग अलग प्रांतों से, जो हमारे स्पीकर्स हैं रमेश जी, डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर फागुन, इन लोगों ने एक ही बार कहने से मान हमारा जो निमंत्रण है स्वीकार किया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज आके वो अपने स्टेट में अनार की क्या स्थिति है और उसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमें अवगत कराएंगे। और मुझे उम्मीद है बाद में जो हमारे किसान जुड़े होंगे इन प्रांतों से, तो वो भी अपने प्रश्न यहाँ पे रखेंगे। और तीनों दिन हमने किसानों के लिए प्रश्न मंच का रखा हुआ है कि जो उनके प्रश्न होंगे उसके उत्तर पैनलिस्ट देंगे। तो मैं चाहूंगी कि सारे किसान लोग अपने जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो अपने चाहे पूछेंगे हैंड रेज करके या फिर चैट उसमें क्वेश्चन आंसर भी डालेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए
मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ फिर से, और किसान टीम का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे कहने से उन्होंने एक बारी फिर से एक अच्छे प्रोग्राम का नियोजन किया है। तो मैं निरंजन जी का और उनके टीम का सबका धन्यवाद देती हूँ और फिर से स्वागत करके अपने बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसी के साथ हम अपने आज के पहले स्पीकर, जो पहले वक्ता है डॉक्टर रमेश कुमार, साइंटिस्ट CIH बीकानेर, मैं उनसे विनती करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दे। क्लियर सर? यस सर, यस सर, इट्स विजिबल सर। रेस्पेक्टेड डॉक्टर ज्योतना शर्मा, डायरेक्टर IPR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पॉमग्रेनेट सोलापुर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर नीलेश गायकवाड़ सर, डॉक्टर मंजुनाथ सर फ्रॉम बागलकोट, डॉक्टर फाल्गुन मोद सर फ्रॉम मेहसाणा गुजरात, एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर पोखर सर, डॉक्टर मंजुनाथ सर, डॉक्टर नम्रता गिरी एंड डियर फार्मर, ए वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार। सबसे पहले मैं 16वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरी जो टीम NRC पॉमग्रेनेट है उसको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर किसान भाइयों के लिए जो इस वेबिनार का आयोजन किया है उससे किसान भाइयों को डेफिनेटली फायदा होगा। और जो माय टॉपिक इज प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉमग्रेनेट कल्टीवेशन इन राजस्थान, माय स्लाइड इज इन इंग्लिश बट आई विल स्पीक इन हिंदी एज मोस्ट ऑफ द फार्मर आर आल्सो अटेंडिंग दिस वेबिनार। Now that pomegranate is an important food crop of arid and semi-arid region of world and it is originated from Iran. जो अनार की खेती है वो arid and semi-arid areas में मुख्यतः की जाती है, और भारत में इसकी जो खेती है वो मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसकी खेती काफ़ी प्रचलित हो रही है। और जो अनार है जो मोस्टली डेजर्ट पर्पज के लिए, टेबल पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, और कई प्रोसेस्ड उत्पाद भी बनाए जाते हैं जैसे जूस, सिरप, जेली, अनारदाना। और जो अनार एक क्रॉप है इसकी खासियत यह है कि इट हैज वाइडर एडेप्टेबिलिटी और यह कई क्षेत्रों के लिए काफी उपयुक्त है, जैसे इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल, एरिड एंड टेम्परेट रीजन। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो, राजस्थान ऑल्सो, महाराष्ट्र ऑल्सो, एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इट इज ग्रोन। And now coming to the area and production of pomegranate during 1819, the total area under Rajasthan is around 2.62 lakh hectare and the production is around 13.34 lakh tons with an average productivity of 11.58 tons per hectare. और जो राजस्थान, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन है, 63% एरिया और 62% प्रोडक्शन वो महाराष्ट्र में है। इसके बाद में गुजरात का नंबर आता है जहाँ 13% एरिया है और 16% अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन होता है, और थर्ड नंबर पे जैसे कर्नाटक में इसकी खेती होती है, 11% एरिया है और 9% प्रोडक्शन होता है। और राजस्थान में इसकी खेती मेनली जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, श्रीगंगानगर, पाली, कोटा, जालौर, बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। लेकिन अभी जो राजस्थान के जो हॉट एरिड रीजन है जैसे जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, एरियाज में इसका क्षेत्रफल काफी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर ओवरऑल राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में टोटल एरिया 16,000 हेयर के लगभग है, और इसमें सबसे ज्यादा एरिया है वो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो 3,300 हेक्टेयर है। उसके बाद में बाड़मेर का नंबर आता है जहाँ 2,500 है, फिर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और अन्य जिलों में इसकी खेती स्मॉल एरिया में की जाती है। अगर हम पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करें तो जैसे
अपना ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट वो टेरिटरी रीजन है, तो यहाँ पे अगर हम वेदर कंडीशन को देखें तो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो जनवरी फरवरी महीने में जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर है, एवरेज मंथली टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी प्रकार दिसंबर, नवंबर दिसंबर में भी ये टेम्परेचर लो होता है और अप्रैल मई जून जुलाई में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये मोर देन 40 होता है और समटाइम इट इज 49 to up to 50 degree centigrade। और जो मैक्सिमम रेनफॉल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट एवरेज रेनफॉल ऑफ राजस्थान इज अराउंड 300 millimeter है, 300 mm जो एनुअल रेनफॉल होता है राजस्थान में और जो मोस्टली जून जुलाई और अगस्त महीने में होता है। तो इस प्रकार अगर अनार की खेती की बात करें तो जो फेवरेबल कंडीशन उस होती है अनार की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो ऑप्टिमम पीरियड होता है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ होता है। उसके बाद में दिसंबर और जनवरी में तापमान लो चला जाता है, कई बार सब जीरो तक भी जाता है जिससे फ्रॉस्ट डैमेज होता है और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक फेवरेबल कंडीशन होती है और फिर मई, जून, जुलाई में फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राजस्थान में जो ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है वो यानी कि बरसात के सीजन से लेके और फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ऑप्टिमम कंडीशन होती है। इसीलिए राजस्थान में अनार की खेती का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड है पॉमग्रेनेट प्रोड्यूसिंग स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्टेट ग्लोबल से ग्लोबल होंगे जिले, एक जिला और एक उत्पाद की योजना के तहत बाड़मेर जिले को आइडेंटिफाई किया गया है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है और सोइल कंडीशन है वो हाईली सुटेबल है पॉमग्रेनेट उत्पादन के लिए। अगर बीकानेर और बाड़मेर की अपन बात करते हैं तो बीकानेर का क्लाइमेट है वो समथिंग डिफरेंट है, किस सेंस में डिफरेंट है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और लो टेम्परेचर भी जीरो तक जाता है, लेकिन जो बाड़मेर है वहाँ पे फॉरेस्ट की समस्या नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे फूड ट्रैकिंग की प्रॉब्लम कम आती है और गुणवत्ता साइज वगैरह अच्छा आ रहा है। इसके साथ ही जैसे हम बात करें न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू की पॉमग्रेनेट की, तो पॉमग्रेनेट का जूस है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है और इट इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट समथिंग टू गैस्ट्रिक ट्रबल और जो गैस्ट्रिक पेट की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए हाईली सुटेबल होता है। और जो जूस होता है उसका TSH 16 डिग्री फिक्स होता है, एसिडिटी 5.35 और ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर। और इसके अलावा इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इसी कारण अनार को सुपर फूड या फूड मेडिसिन या मेडिसिनल मिराकल कहा जाता है। और आजकल मार्केट में अनार के जो टेबलेट्स वगैरह है वो भी एंथोसाइनिन के नाम से अवेलेबल है, लेकिन अगर किसान भाई अनार के जूस का या ताजे इसके दानों का सेवन करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट ऑफ पॉमग्रेनेट कल्टीवेशन इन राजस्थान, राजस्थान में इसकी खेती के क्या क्या फायदे हैं। तो अगर देखें तो राजस्थान में वास्ट एरिया इज अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, पर्टिकुलरली हॉट एरिड रीजन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, इन डिस्ट्रिक्ट में वास्ट बहुत बड़ा एरिया कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है। और साथ ही विद द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी और सिंचाई की योजनाएं जैसे कैनाल इरीगेशन और ट्यूबवेल इरीगेशन, जो इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ी है उसकी वजह से भी इसका एरिया बढ़ रहा है। और राजस्थान में अनार की खेती के लिए तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि वेरी लो इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। और राजस्थान में जो डिजीज और पेस्ट की इंसिडेंस होती है वो टेम्परेचर हाई होने के कारण और ह्यूमिडिटी लो होने के कारण बहुत कम होती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो क्वालिटी होती है वो अच्छी आती है और जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम 5 or 6 स्प्रेज करते हैं फार्मर्स और रिकमेंडेड है यहाँ पर, जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की या अन्य स्टेट कर्नाटक वगैरह में वहाँ पे जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, विल्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जो यूज़ करते हैं उसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है। और अगर राजस्थान की खेती के लिए जैसे सैलाइन वाटर है और ट्यूबवेल वाटर है वो भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि कॉम्पोनेट एक ऐसी क्रोप है जो सैलाइन वाटर वो जो इस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है 4 dB पर तक टॉलरेट कर सकता है और इन सब की वजह से और इसका जो रेट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, वो 50 rupees से लेके 150 rupees per kg तक जाता है।
और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है जिसमें विटामिन मिनरल रिच होता है। इन सब कारणों की वजह से राजस्थान में अनार का एरिया और प्रोडक्शन बढ़ रहा है और किसान इससे काफी लाभ कमा रहे हैं और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फूड क्रॉप। इन सब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ अगर राजस्थान में पोमग्रेनेट कल्टीवेशन की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कल्टीवेशन में। जैसे अनार की अगर खास से बात करें तो इसमें इरेटिक फ्लोरिंग होती है। इरेटिक फ्लोरिंग मीन्स कि जैसे राजस्थान में 3 सीजन में अनार में फ्लोरिंग होती है, अंबे बाग, मृग बाग और हर्ष बाग। अंबे बाग में फ्लोरिंग जनवरी फरवरी में होती है, मृग बाग में फ्लोरिंग जून जुलाई में होती है और हर्ष बाग में फ्लोरिंग सितंबर अक्टूबर में होती है, जिसकी वजह से नॉन सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी यानी कि स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग होती है, अलग अलग समय में फ्रूट हार्वेस्ट होता है और जो फ्रूट की क्वालिटी होती है वो इंफीरियर होती है। इसके अलावा फ्रूट कैनोपी मैनेजमेंट और इसके साथ साथ कभी कभी जैसे इंफेस्टेशन ऑफ माइट जो सीवियर प्रॉब्लम है हॉट रेड क्लाइमेट में, माइट की प्रॉब्लम खासकर अप्रैल से अक्टूबर महीने के बाद जब तापमान ज्यादा होता है और धूल भरी आंधी चलती है उस टाइम माइट का इंफेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे ही जैसे फंगल स्पॉट एंड रोट डिजीज होती है वो रेनी सीजन में इसका प्रकोप होता है। इसके अलावा निमेटोड का इंफेक्शन भी देखा गया है। इसके अलावा हेपेटाइटिस स्ट्रेसेस की बात करें जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस होती है उसमें जैसे फ्रूट कैकिंग और सन स्केल मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई बार तो कैकिंग इतनी तीव्र होती है कि 40-50% प्रोड्यूस क्रैक हो जाता है, जो फल फट जाते हैं जिससे उसका कोई रेट नहीं मिल पाता और किसान भाइयों को काफी नुकसान होता है। और इन सभी कारणों की वजह से जो पुअर इकोनॉमिक्स होती है और जो पर हेक्टेयर यील्ड होती है वो काफी कम आती है। तो सबसे पहले हम बात करें अनार में बाहर से कॉम्बोनेट कॉम्बोनेट जैसे मैंने बताया आपको कि अंबे बाग, मृग बाग और हर्ष बाग में फ्लोरिंग होती है। तो कौन सी बाहर का चयन करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसे फ्लोर रेगुलेशन भी बोलते हैं। और जो बाहर के चयन के लिए सबसे मेजर फैक्टर होते हैं वो 5 फैक्टर होते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जो सोइल्स और क्लाइमेटिक कंडीशन है और अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल है या जो इरीगेशन वाटर सोर्स है उससे भी डिपेंड करता है। कैनोपी मैनेजमेंट पे मार्केट डिमांड कई बार क्या होता है कि जैसे नेचुरली जो ब्रिक बार में जैसे जून जुलाई में फ्लोरिंग होती है वो दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट होता है लेकिन उस टाइम मार्केट में गलत हो जाता है और रेट कम मिलता है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए किसान भाइयों को। और पेस्ट और डिजीज खासकर होता है रीजन में माइट, फंगल स्पॉट एंड रॉट और निमेटोड जो मेजर प्रॉब्लम है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट आवश्यक है। और जब हम अनार की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो मैनेजमेंट में की बात करें तो सबसे मेजर फैक्टर होता है वो बाहर रेगुलेशन जिसे हम फ्लोर रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, बाहर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें जैसे ये फ्लोर डायग्राम के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में ये दर्शाया गया है कि जब अनार में जब अगर हम हॉट एरिड रीजन की बात करें तो यहाँ पे मृग बार और खासकर तो लेट मृग बार होती है उसको लेते हैं, उसके लिए जून में स्ट्रेस देते हैं। और हॉट एरिड रीजन में जहाँ पे सैंडी सोइल होती है वहाँ पे मंथ का जो स्ट्रेस होता है वो सफिशियंट होता है, एक महीने के लिए सिंचाई को रोक देते हैं। फिर उसके बाद में हल्की जो इथेन होता है जो पादप हार्मोन होता है उसका 1-2 ml स्प्रे करते हैं और उसके साथ में 5 ग्राम DAP या जो लिक्विड फर्टिलाइजर NPK 54-52 आता है उसका 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिक्स करके स्प्रे करते हैं और जिससे इसमें वो लीफ पार होता है। और जब नेचुरल स्ट्रेस देते हैं एक महीने का डिसॉल्विंग ऑफ वाटर तो उसमें 30-40% लीफ पार हो जाता है। और जब ये स्ट्रेल अप्लाई करते हैं तो इससे पहले हल्की प्रूनिंग भी करते हैं जिसे बाहर प्रूनिंग बोलते हैं, उसके बाद में स्ट्रेल अप्लाई करते हैं जिससे 90 और 95% जो लीफ पार होता है। फिर न्यू ग्रोथ आती है, फिर उसको हम फ्रूट सेट में लेके जाते हैं और फ्रूट सेट से लेके हार्वेस्टिंग तक हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, कैनोपी मैनेजमेंट का और वाटर मैनेजमेंट का प्रॉपर मैनेज करना होता है ताकि हमारी जो प्रोड्यूस की गुणवत्ता है, जो फ्रूट का साइज है, कलर है और एग्री की क्वालिटी है वो अच्छी आए। तो ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है अपन जो ये फ्लोर रेगुलेशन और बाहर नियंत्रण करते हैं। और खासकर अनार में स्ट्रेस और जो ये बाहर रेगुलेशन फ्लोर रेगुलेशन ट्रीटमेंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जैसे जब हम स्ट्रेस देते हैं एक महीने का तो लगभग ऑलमोस्ट 30-35 लीव फॉल हो जाती है और उसके बाद में हल्की प्रूनिंग करते हैं। फिर ट्रेल 1-2 ml अकॉर्डिंग टू और जो किसान भाई ट्रेल का यूज करते हैं वो 1-2 ml जो 39% और 40% एक्स्ट्रा सोल्यूशन आता है उसका यूज करते हैं। अगर पत्तियां नहीं होती है
तो ज्यादा एथेनॉल की कंसंट्रेशन 2 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करना चाहिए। अगर पत्तियां पुरानी है तो वो 1 ml एथेनॉल इज सफिशियंट। इसके बाद में नई ग्रोथ आती है और फ्लोरिंग इनिशिएशन होता है। और ये जो अनार का पूरा इसमें फ्लोर रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, पहले हम 1 महीने के लिए वाटर स्ट्रोक कर देंगे जून के महीने में, फिर हल्की प्रूनिंग करेंगे जिससे बाहर प्रूनिंग बोलते हैं, उसमें 15-20 सेंटीमीटर तक न्यू ग्रोथ होती है उसको रिमूव करते हैं, फिर इथ्रेल अप्लाई करते हैं, फिर ये जो अप्रोक्सीमेट 90-90% डीफॉल हो जाता है, प्लांट बिल्कुल डीफोलिएट हो जाता है। और डीफोलिएट होने के बाद में 1% बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रोफाइलेटिक स्प्रे कर देते हैं जिससे उसका कोई डिजीज या पेस्ट होती है तो वो नष्ट हो जाती है और फिर पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है, फिर फ्लोरिंग और ये प्रूनिंग होती है। और खासकर अनार की अगर बात करें तो अनार इज हाईली टेक्निकल क्रॉप, ये बहुत ही तकनीकी क्रॉप है। क्योंकि तकनीकी क्रॉप क्यों होती है, क्योंकि अनार में साल में 3 बार फूल आते हैं, अंबे बार, मृग बार, हंस बार। और ये फ्लोर भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे ये तो फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, ये बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं। इसमें जो ये फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है, एंथर और स्टिग्मा, ये दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं। और यही जो फ्लोर्स होते हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो ये दूसरा नंबर का जो ये फ्लोर दिखाया गया है, ये इंटरमीडिएट टाइप के होते हैं, इसमें स्टिग्मा वेल डेवलप नहीं होती है। इसमें कई बार फ्रूट सेट भी होता है, लेकिन और जो फ्रूट बनते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और जो थर्ड टाइप का जो फ्लोर्स होते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें हम मेल फ्लोर बोलते हैं, वो 80% तक होते हैं। और ये फ्लोर पॉलिनेशन के काम आते हैं और ये ड्रॉप हो जाते हैं, इनमें फ्रूट सेट नहीं होता है। तो कई बार किसान भाइयों की ये शिकायत भी आती है कि हमारे अनार में फूल लग रहे हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं। तो मोस्टली जो फूल होते हैं 75-80% वो मेल होते हैं, और बाकी जो 15-20-25% तक जो फूल होते हैं वो बाइसेक्सुअल और इंटरमीडिएट टाइप के होते हैं। वो डिपेंड करता है वैरायटी पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अगर हम टेरिड रीजन की बात करें तो फ्लोर रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें जून में पानी रोकना होगा जिससे प्रोफ्यूज और यूनिफॉर्म फ्लोरिंग होती है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि जो नेचुरल फ्लोर आते हैं हमें बात के वो भी ले लेते हैं, ब्रिक बार में जो भी फूटिंग आई वो भी ले ली, और फिर हाथ बार में जो कुछ फ्लोर आते हैं उनको भी आगे फूटिंग तक ले जाते हैं, जिससे जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं आती है। इसके लिए हमें 3 बार फूटिंग नहीं लेनी है और एक ही बार में, जिससे ताकि कि एक साथ में यूनिफॉर्म फ्लोरिंग हो और अच्छे गुणवत्ताइज फ्लोर में फ्रूट मिले। तो इसके लिए जो अनार में फूट का साइज और एरिया की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जून में स्टार्ट देते हैं, उसके बाद में प्रूनिंग और थिनिंग करते हैं और 1-2 ml अप्लाई करते हैं, और साथ में DAP 5 ग्राम पर लीटर और 52-34 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एरिडिजन की बात करें तो जो फूट की गुणवत्ता होती है वो तो डिफरेंट बाहर में इन पॉमग्रेनेट और खासकर हॉट एरिडिजन की बात करें तो मैं इसमें भगवा और जालौर सिबलस जो राजस्थान की मुख्य वैरायटी है, और भगवा जो अपने भारत की जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, वो 85-85% एरिया जो भगवा वैरायटी के अंदर है। तो अंबे बाहर में जिसमें जनवरी फरवरी मार्च में फूल आते हैं, जनवरी फरवरी में फूल आएंगे वो कब पकते हैं, जून जुलाई अगस्त में पकते हैं। उस टाइम तापमान ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होने की वजह से और जो ड्राई पीरियड होता है हॉट एरिड रीजन में, इस टाइम कोई बारिश नहीं होती है, टेम्परेचर मोर देन 40-45 से अबव होता है, इसकी वजह से एरिड का कलर भी डेवलप नहीं होता है और जो रिंड का कलर होता है वो भी रेड नहीं होता है। ये जैसे भगवा वैरायटी की अपन बात करते हैं तो भगवा का जो रिंड कलर होता है वो लाइट येलोइश होता है, प्रॉपर जो गोल्डन रेड ब्लड रेड टाइप का होता है उस टाइप में नहीं होता है, और एरिड भी प्रॉपरली रेड नहीं होती है। हालांकि उसमें TSS प्रॉपर 16-17% डिग्री ब्रिक्स रहेगा और एसिडिटी भी 0.6 और 0.7 होती है, और TSS एसिडिटी का जो रेशियो होता है वो 30 के लगभग होता है। ये जो दाने होते हैं खाने के लायक होते हैं लेकिन मार्केटिंग के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि एरी का बिल्कुल कलर नहीं होता है और रिंड का कलर भी होता नहीं होता है। ऐसी अगर जालौर सिल्लस वैरायटी या दूसरी अन्य वैरायटी जो रेड कलर की या लाइट पिंक कलर की होती है, जैसे गणेश हो गया, G137 हो गया, उनमें तो ये जो रिंड एरी कलर होता है वो बिल्कुल व्हाइटिश होता है, बिल्कुल भी कलर डेवलपमेंट नहीं होता है, और रिंड का कलर आता है वो भी क्रीमिश और येलोइश होता है, जिससे मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलता है। और जो खासकर अनार में जो साइज का बहुत ज़्यादा महत्व है, 250-300 और 400 ग्राम के जो बड़े साइज के फ्रूट होते हैं उनमें मार्केट रेट अच्छा मिलता है। और फिर हम मृग बार की बात करें तो मृग बार में जो एरिल का कलर होता है वो बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि फ्रूट विंटर सीजन में पकते हैं, दिसंबर जनवरी में,
और भगवा वैरायटी में एरिल का कलर बढ़िया आता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत किसान भाइयों की जो होता है दिन में आ रही है वो फ्रूट ट्रैकिंग की आ रही है। तो फ्रूट ट्रैकिंग 30, 34, 35% तक आता है, और जो रिंड का कलर होता है वो प्रॉपर डेवलप होता है, वो भी रेड होता है और एरिल का कलर भी रेड होता है। लेकिन इसके बाहर के साथ में प्रॉब्लम होती है कि ये दिसंबर जनवरी में आती है और इसकी वजह से क्रैकिंग ज़्यादा होती है, और जालौर सीडलेस में जो एरिल का कलर होता है वो रेड कलर हो जाता है, जो पिंकिश होता है वो डार्क पिंकिश हो जाता है, लेकिन क्रैकिंग की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। और जो भगवा में रिंड थिक होता है उसकी वजह से क्रैकिंग कुछ कम होती है। और जब हम यानी कि फ्लावरिंग होती है उसकी बात करें तो वो फूल पकते हैं फरवरी मार्च अप्रैल तक, तो उनमें जो भगवा कल्टीवार होता है उसमें जो एरिल का कलर होता है वो रेड होता है और जो रिंड का कलर होता है वो भी रेड होता है, और क्वालिटी बड़ी आती है, जो साइज होता है वो बड़ा बड़ा आता है, लेकिन नंबर ऑफ फूल कम होते हैं लेकिन गुणवत्ता अच्छी होती है। अगर जालौर सीडलेस की बात करें तो एरिल भी कुछ कलर डेवलप हो जाता है और रिंड का कलर भी कुछ अच्छा होता है, लेकिन सबसे बढ़िया फायदा यह होता है कि राजस्थान में जो क्रैकिंग की मेजर प्रॉब्लम है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है 5-10%, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि फुल्ली जो क्रैकिंग होती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेट मरीज या हर बार जो जून जून में स्ट्रेस देके जुलाई में न्यू ग्रोथ आएगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो फ्लोरिंग होगी और उससे जो हार्वेस्टिंग होती है वो फरवरी मार्च और अप्रैल महीने तक होती है, तो उससे क्या होता है कि गुणवत्ता अच्छी आती है, एरिल का और रिंड का कलर अच्छा आता है और मार्केट में रेट अच्छा मिलता है, और जो पर प्लांट यील्ड होती है वो भी अच्छी आती मिलती है। तो इस प्रकार जो अपन बात करें तो ओवरऑल जो फ्लोर रेगुलेशन और बाहर ट्रीटमेंट होता है वो अनार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सिंक्रोनाइज फ्लोरिंग होती है, प्रोफिल फ्लोरिंग होती है, और जो नंबर ऑफ इम्प्रूव सेक्स रेशियो यानी कि जो काम वाले जो फूल होते हैं जो बाइसेक्सुअल या फीमेल फ्लोर होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और फ्रूट सेट होता है वो अच्छा होता है क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जुलाई अगस्त सितंबर में जो होती है वो फेवरेबल होती है क्योंकि ये रेनी सीजन होता है एरिड सीजन में, उसके बाद में जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में जो फ्रूट की ग्रोथ पीरियड होता है उसके लिए अच्छा होता है, उससे यील्ड ज़्यादा आती है और जो फ्रूट का साइज अच्छा होता है वो भी अच्छा आता है, और लेस इंसिडेंस ऑफ फ्रूट पैकिंग और सनस्टेल होता है, और जो पेस्ट और डिजीज इंसिडेंट होती है उसका भी इफेक्टिवली मैनेजमेंट होता है। और जो ये फ्लोर रेगुलेशन ट्रीटमेंट है इससे अपन के ये जो अनार में फ्लोरिंग और फ्रूटिंग सीजन को डिसाइड करते हैं, इसके अलावा जो पेस्ट और डिजीज इंसिडेंट है उसके मैनेजमेंट में भी बाहर का ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे जो 95% तक जो लीफफॉल होता है और मोस्टली जो पौधे में जो डिजीज और पेस्ट होती है वो फॉलोअर पार्ट में होती है, लीफ पत्तियों में होती है, जिससे क्या होता है कि जो इसकी पत्तियां गिर जाती है और जो डिजीज और पेस्ट होती है वो नष्ट हो जाती है। और इसके बाद में जैसे 1% प्रोफाइल जो गोल्डन मिश्र होता है उसका प्रोफाइलेटिक स्प्रे करते हैं उसके भी जो पैथोजन लोड होता है और वो काफ़ी कम हो जाता है, और उसका जो ऑर्चार्ड की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। अगर नॉर्मली हम तीनों बाहर लेंगे तो ऑर्चार्ड की जो लाइफ है 12-15 ईयर है वो कम हो जाएगी, अगर ये फ्लो रेगुलेशन फॉलोअप करेंगे तो ऑर्चार्ड 15-20 ईयर तक चलेगा, यानी कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन लगातार मिलता रहेगा। अब हम हॉट एरिड रीजन के लिए जो मेजर चैलेंजेस है उनकी बात करें तो हॉट एरिड क्लाइमेट में जो मेजर प्रॉब्लम है फूड ट्रैकिंग की है, और फूड ट्रैकिंग किन वजह से होता है क्या क्या कारण है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सनस्केल्ड की भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो सोलर इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो बाहर की कैनोपी में जो फ्रूट लगे होते हैं वो हाई हीट और ये रेडिएशन के कारण ब्लैक ब्लैकिंग हो जाती है जिससे मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलता है। इसके अलावा माइट भी सीवियर प्रॉब्लम है हॉट एरिड मंथ में फ्रूम पर्टिकुलरली फ्रूम अप्रैल टू अक्टूबर, और ड्यूरिंग रेनी सीजन फंगल स्पॉट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ए सीवियर प्रॉब्लम। फंगल स्पॉट भी काफ़ी गहन समस्या है खासकर रेनी सीजन के लिए, और जो माइट और फंगल स्पॉट है उसकी वजह से भी अनार में क्रैकिंग होती है, और ये जो क्रैकिंग की इंटेंसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा निमेटोड का इंस्पेक्शन भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा ये रिपोर्ट किया गया है राजस्थान के होटल रिविजन में। और जब अदर चैलेंजेस की बात करें तो इनके अलावा कुछ जैसे इनिशियल स्टेज जब ऑर्चार्ड स्टेबिल करते हैं तो इनिशियल 1-2 सालों तक और खासकर हॉट एरिड रीजन में क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल्स होती है सैंडी सॉइल्स होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, तो थर्माइट होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। कई बार तो क्या होता है कि पौधा सुबह लगाते हैं तो शाम तक थर्माइट उसको डैमेज कर देती है, तो
तो किसान भाई जब भी पौधा लगाएं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, जैसे नीम गैस यूज करना या क्लोरोपाइरीफास 2 ml पर लीटर के हिसाब से ट्रेंचिंग करें, और इसके अलावा एसिड का भी इंस्पेक्शन भी रिपोर्ट किया गया है, खासकर जब सर्दी के बाद में मार्च अप्रैल में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, शूटअप होता है, उस टाइम इसका न्यू ग्रोथ जो अनार में आती है न्यू फॉलेज, उसमें इसका एसिड का इंस्पेक्शन होता है, और फ्रॉस्ट डैमेज भी, खासकर जब दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे जाता है तो फ्रॉस्ट डैमेज भी होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी डिलेड हार्वेस्टिंग के कारण कई बार टाइम पर हार्वेस्टिंग नहीं होती या हाई सोलर रेडिएशन होती है, उससे जो अनार के दाने होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं, उससे एरिड ब्राउनिंग होते हैं, वो भी रिपोर्ट किया गया। और हम जो अब जो एरिड रीजन और खासकर राजस्थान की बात करें तो फूड ट्रैकिंग सबसे सीवियर प्रॉब्लम है अनार के लिए राजस्थान में, और जो इसका जो हम बात करते हैं तो पहले जैसे जो फैक्टर्स रिपोर्टेड थे जैसे वाटर इंबैलेंस या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण होता है, या जैसे डायगनल टेम्परेचर वेरिएशन भी बोलते हैं जो दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, और जैसे राजस्थान या बीकानेर की बात करें तो 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है की बात, उसकी वजह से भी क्रैकिंग होता है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो इसका जो मेजर रीजन है वो वाटर इंबैलेंस के कारण होता है, और न्यूट्रन डेफिशिएंसी खासकर जो बोरोन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है उसकी वजह से भी होता है, और डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन जो दिन और रात के तापमान में अगर 15 से 20 से ज़्यादा ये वेरिएशन होता है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा जब दिसंबर जनवरी में खासकर राजस्थान में जब टेम्परेचर 5 डिग्री से लो जाता है तो क्रैकिंग वेरी सीवियर होता है, इन दिसंबर जनवरी मंथ में सबसे ज़्यादा क्रैकिंग रिपोर्ट की गई है। जबकि हम अंबे बार क्रॉप लेते हैं वो जैसे जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग होती है और जून जुलाई अगस्त में उसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो टेम्परेचर हाई होता है लेकिन उस टाइम क्रैकिंग कम होती है, और जो भी क्रैकिंग होती है जो समर मंथ में वो वाटर इंबैलेंस या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या टेम्परेचर के कारण नहीं होता, वो पर्टिकुलरली फंगल स्पॉट या पेस्ट इंसिडेंस जैसे माइट है उसकी वजह से होता है, और कई बार जैसे प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट नहीं होता है, जैसे बाहर की कैनोपी में ज़्यादा फ्रूट होते हैं या इम्प्रॉपर बाहर ट्रीटमेंट है, जैसे सही समय पे अगर बाहर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है या जैसे सिट्रेल का यूज किया है या डिकोलेशन किया है उस टाइम बारिश आ गई है, उसकी वजह से भी कई बार सही टाइम पे फ्लोरिंग नहीं होती है और क्रैकिंग होती है। और पेस्ट की अगर बात करें तो माइट की वजह से भी जो माइट है वो इसकी सीवरिटी को जो क्रैकिंग की है उसको बढ़ा देता है, और खासकर फंगल एंड स्पॉट एंड रोग डिजीज होती है उसमें जो धब्बे बनते हैं वो बाद में ड्राई हो जाते हैं और जो फूड क्रैकिंग के लिए हाईली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो मोस्टली इन्फेक्टेड जो फंगल रोड से जो इन्फेक्टेड फ्रूट होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। और अगर ओवरऑल बात करें तो प्लांट का जो हेल्थ होता है ओवरऑल हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कैनोपी मैनेजमेंट, बाहर रेगुलेशन, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए किसान भाई पहला तो वाटर इम्बेलेंस, उसके लिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनाज की खेती के लिए। उसके लिए इनिशियल स्टेज में 2 साल तक जब पौधा छोटा होता है तो 1 लाइन जो लेटरल होता है वो सफिशेंट होता है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसके दोनों साइड में 2 लेटरल्स यूज करने चाहिए और कम से कम 4 ड्रिपर होने चाहिए जो चारों डायरेक्शन में हो, और यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन होनी चाहिए रेगुलर, तो खासकर जब क्रैकिंग दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होती है उस टाइम रेगुलर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अल्टरनेट डे पे या डेली उसको वाटर सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करें तो बोरोन की खासकर डेफिशिएंसी या माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसके लिए बोरेट जो बोरिक एसिड होता है उसका 0.6% का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम का जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का सोइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और जब तीसरे फैक्टर की अपन बात करते हैं ये जो डायगनल टेम्परेचर वेरिएशन, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर जो वातावरण है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर है वो लो जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो नेचुरली जो इसमें जून जुलाई में जो मरी बाहर में फ्लोरिंग होती है उसको थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, जून में स्ट्रेस देंगे, जुलाई में न्यू ग्रोथ आएगा, अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक फ्लोरिंग होगी, यानी कि जो लेट मरी बाहर और हाफ बार में फ्लोरिंग होगी तो उसकी हार्वेस्टिंग होती है फरवरी मार्च और अप्रैल में जब ऑप्टिमम क्लाइमेट कंडीशन होती है, तो उससे क्रैकिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, 5 to 10% तक ये क्रैकिंग उससे काफ़ी कम हो जाती है, जो 30-40% तक होती है वो 5 to 10% तक हो जाती है। इसके अलावा जो कैनोपी मैनेजमेंट का भी जो क्रैकिंग में बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो प्लांट की जो कैनोपी होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे अनार में पहले 2 सालों में जो इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो डेवलप करते हैं, उसके लिए इसमें कम से कम जैसे हॉट एरिड रीजन की बात करते हैं
रीजन के लिए जो इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम रिकमेंडेड किया गया है वो मल्टीपल स्टेम जो बहुत ना पत्ती होती है उससे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो अनार में कम से कम 3, 4 या 5 तक स्टेम होने चाहिए, यानी कि 4 to 6 स्टेम इसमें हो डायरेक्ट रीजन में रख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो हो डायरेक्ट रीजन में जो थर्माइट की प्रॉब्लम होती है तो उससे अगर कोई स्टेम इनिशियल स्टेम पर डैमेज हो जाता है तो बाकी तनों से हमें उपज मिलती रहती है। और जो खासकर शुष्क वातावरण में कई बार तेज आंधियां भी आती है उसकी वजह से भी पौधों को डैमेज पहुंचता है, स्टेम टूट जाती है या स्टेम ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए बहुत ना पत्ती से ट्रेनिंग करनी चाहिए, 4 to 6 मेन स्टेम रखने चाहिए और 3 to 4 उसमें जो सेकेंडरी डी तक शाखाएं निकलती है वो रखनी चाहिए और 3-4 उसमें ट्रस्टरीज रखनी चाहिए। और जब हम अनार में प्रूनिंग की बात करते हैं तो अनार में 2 टाइप की प्रूनिंग होती है, एक जो मेन प्रूनिंग बोलते हैं जो मेन जो फ्रूट हार्वेस्टिंग होता है उसके बाद में विंटर सीजन के बाद में होती है। उसमें क्या करते हैं जो डिजीज ड्राइड जो ब्रांचेज होती है वो रिमूव कर देते हैं, ये सीवर टाइप की प्रूनिंग होती है। उसमें जो वाटर सकर और जो मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है जो ड्राइड ग्रोथ होती है उसको रिमूव कर देते हैं, क्रिस्प क्रॉसेस ब्रांचेज को रिमूव करते हैं। और जो दूसरी प्रूनिंग होती है जिसे बाहर प्रूनिंग या लाइट प्रूनिंग भी बोलते हैं, जो जब हम बाहर रेगुलेशन जो ट्रीटमेंट देते हैं जो जून जुलाई में जो ट्रीटमेंट देते हैं उस टाइम वाटर जो स्टॉक करते हैं महीने के उसके लिए जो हल्की प्रूनिंग करते हैं उसमें जो न्यू ग्रोथ होती है 15 से 20 सेंटीमीटर वो रिमूव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो तो अनार में जो इसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से जो फ्रूट होते हैं जो इनर कैनोपी पे आएंगे, इनर साथ में अनार में क्या होता है कि जो इसमें जो फ्रूट बियरिंग होती है जो ओल्ड ग्रोथ पे भी होता है न्यू ग्रोथ पे भी होता है। और खासकर जो समर सीजन में जो फ्रूट लगते हैं वो करंट सीजन पे लगते हैं और विंटर या जो स्प्रिंग सीजन में लगते हैं वो ओल्ड ग्रोथ पे आते हैं। तो जो न्यू ग्रोथ और ओल्ड ग्रोथ में जो बैलेंस होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए अनार में प्रूनिंग भी करते हैं। जो न्यू ग्रोथ होगी उसमें नेक्स्ट ईयर आपके फ्रूट आएंगे और जो ओल्ड ग्रोथ होती है उसमें इस सीजन में फ्रूट आएंगे। और अनार में स्पर बियरिंग जैसे एप्पल वगैरह में जो स्पर बियरिंग होती है वो भी रिपोर्ट की गई है, इसलिए जब अनार के फ्रूट को हार्वेस्टिंग करते हैं जो स्पर्स होता है या जो ब्रांचेज होती है उनको स्टेडियर से फ्रूट को हटाना चाहिए, उनको डैमेज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें नेक्स्ट ईयर में उसमें फ्लोरिंग होती है। कई बार क्या होता है कि इम्प्रॉपर बाहर ट्रीटमेंट होता है, फ्लोर रेगुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग होती है। और जो डिप प्रॉब्लम है वो पेस्ट इंसिडेंस है, माइट है, ये पर्टिकुलरली जब मार्च अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ता है, अप्रैल में खासकर इसका इंसिडेंस बढ़ता है। पहले इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसमें एक दो पौधों में येलोइश और जो रेडिश कलर है वो पत्तियों के दिखाई देने लगता है, लेकिन ये बहुत फास्ट ड्राई सीजन में बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। इसका टाइमली कंट्रोल जो मैनेजमेंट होना है वो बहुत आवश्यक है। और डिजीज की बात करें फंगल इंपॉर्टेंट हो वो रेनी सीजन में आता है, जून जुलाई अगस्त जब रेनी सीजन है होटल सीजन में, तो इसकी वजह से भी क्रैकिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे फैक्टर है वो फूड क्रैकिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कैनोपी मैनेजमेंट और फ्लोर रेगुलेशन, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट को अनार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अगर अनार की बात करें तो इसमें क्रैकिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है या अनइवन क्रैकिंग भी रिपोर्ट की गई है। और जो क्रैकिंग है वो क्लाइमेट टू क्लाइमेट वेरी करती है, जैसे बीकानेर में इसकी क्रैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में कम होती है, वो बाड़मेर खास कर एरिया है वहाँ पे भी बहुत कम क्रैकिंग होती है। जो उसका जो मेजर कारण है कि वहाँ फ्रॉस्ट नहीं आता है और जो डायनल टेम्परेचर वेरिएशन है वो भी कम होता है, उससे क्रैकिंग कम होती है। और ये वेराइटीज पे भी डिपेंड करती है, और ये जैसे ये सहारनपुर वेराइटीज और जो मर्दुला वेराइटीज है उनमें वेरी फीवर क्रॉपिंग रिपोर्ट की गई है अंडर बीकानेर कंडीशन। जो मर्दुला वेराइटी है उसमें 39% और जो सहारनपुर है उसमें सबसे ज़्यादा 41% क्रैकिंग रिपोर्ट की गई है। और कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जो खट्टे टाइप के अनार होते हैं जैसे गुलेशिया, गुलेशिया रेड, गुलेशिया रोज पिंक, उनमें बहुत कम क्रैकिंग रिपोर्ट की गई है। और जैसे क्रैकिंग को मैनेजमेंट के लिए जैसे फ्रूट बैगिंग भी किसान भाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हॉट एरिड रीजन की बात करें तो जो फ्रूट बैगिंग होती है उसके में जो परफोरेटेड पॉलीथिलीन बैग या जो ये वाइट कलर बटर पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं, और जो ये ब्राउन कलर पेपर बैग और ये जो वाइट कलर पेपर बैग यूज़ वो सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार सर्दियों में बारिश होती है तो जो पेपर बैग होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और जो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्रैकिंग भी इतना कंट्रोल नहीं होता है, और जो खासकर जो अगर इसको कलर कवर नहीं करते हैं तो जो कलर फेड हो जाता है, तो
और जो पॉलिथीन से या जो ड्रिंक रैपिंग से या जो बटर पेपर बैग से इसको कवर करते हैं, इसका कलर जो रेड कलर का होता है वो गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अगर ओवरऑल फूड बैगिंग की बात करें तो जो क्लॉथ बैग होते हैं और पेपर बैग होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता। और खासकर जो यहाँ पे जो मेजर रीजन है वो टेम्परेचर विंटर में जो लो टेम्परेचर जाता है या टाइलर वैली है, तो जो ये मसलिन क्लॉथ बैग या मार्किंग क्लॉथ बैग या ये रिकमेंडेड नहीं है। किसान भाई या तो ये जो बटर पेपर बैग है या पॉलीथाइलिन बैग वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉलीथाइलिन बैग अगर यूज़ करेंगे तो परफोरेटेड यानी उसमें छेद होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में जो उसके अंदर जो पानी जमा हो जाता है उसकी वजह से रोटिंग भी होने लगती है, वो नीचे से खुला होना चाहिए। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। और जो नेक्स्ट सेक्टर होता है कैनोपी मैनेजमेंट, अनार के लिए खासकर होटल की बात करें तो जो कैनोपी मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो अनार की कैनोपी होती है वो गोल्ड शेप होनी चाहिए, या जो इसके जो फूट होते हैं प्रूनिंग इस तरह से करते हैं कि जो मोस्टली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो इनर कैनोपी पे आए जिससे डायग्राम में दिखाया गया, और ये फूट इनसाइड में रहेंगे तो सन स्कैन भी नहीं होगा और फूट ट्रैकिंग भी कम आएगी। तो कैनोपी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अनदर प्रॉब्लम की बात करें तो सन स्कैन भी एक सीवियर प्रॉब्लम है होटल डिवीजन में, ये इम्प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट के कारण होता है। और खासकर जो अंबे पार्क के फ्रूट होते हैं जिसमें जनवरी फरवरी में फ्रूटिंग होती है और फ्रूट मैच्योरिटी जो अप्रैल मई जून यानी कि जो समर मंथ में होती है तो तापमान ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो फ्रूट जो बाहर की कैनोपी पे होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं और स्किन होती है वो ब्राइट नहीं होती है, उससे उसका रेट कम मिलता है। तो उससे बचने के लिए सन स्कैल के मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट होना चाहिए और जो प्रॉपर बाहर सिलेक्शन होता ना चाहिए होटल रीजन में, जैसे लेट मरीज और हस्त बाहर को रेगुलेट करना चाहिए। इस बाहर को अगर रेगुलेट करेंगे तो अपने ये जो फ्लोरिंग वो जुलाई अगर सितम्बर माह में होगा और जो हार्वेस्टिंग है फरवरी मार्च अप्रैल माह में। इसके अलावा फूट या प्लांट को कवर भी कर सकते हैं टेटनेस से या नॉन वोन फैब्रिक क्लोथ से। और जो होटल रीजन में विंड ब्रेक भी यूज़ करते हैं, खासकर जो नीम और शीशम होते हैं वो भी जो ऑर्चर्ड की बाउंड्री होती है उस पर लगाएंगे तो प्रॉपर जो हॉट विंड्स होती है और फ्रस्ट डेमेज होता है उसको भी कंट्रोल करने में सहायक होता है। और उससे क्या होता है कि ये फ्रॉस्ट जो सनस्कैन वाली प्रॉब्लम होती है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसी प्रकार जो अन्य प्रॉब्लम है एरिल ब्राउनिंग होती है उसके, ये इसका जो मेजर कारण होता है वो डिलेड हार्वेस्टिंग होता है। कई बार क्या होता है कि किसान भाई जो प्रॉपर जैसे किस टाइम कौन सा फूड कौन सी वैरायटी लगाई है उसके हिसाब से हार्वेस्ट करते हैं। कोई भी वैरायटी जब भी उसमें फ्लोरिंग होती है, जैसे भगवा की हम बात करें तो भगवा में 6 मंथ के बाद में फ्लोरिंग से 6 महीने के बाद में मैच्योरिटी आती है, 180 डेज ये फ्लोरिंग टू हार्वेस्टिंग तक लेता है। ऐसे जालौर चिल्ला जो वैरायटी होती है 150 डेज में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। मरदुला थोड़ी अर्ली वैरायटी है, ये 120 to 140 डेज में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और जो एरी ब्राउनिंग की जो प्रॉब्लम है होट ड्राई पीरियड में मोस्टली हमें बाहर में रिपोर्ट की गई है, इसलिए इस बात को अवॉइड करना चाहिए या जो लेट मरीज और हाथ बाहर आती है उसी को रेगुलेट करना चाहिए। इसके अलावा जो हॉट एरिड रीजन या जो राजस्थान की बात करें तो फॉरेस्ट डैमेज भी रिपोर्ट किया गया है। जो जब राजस्थान में दिसंबर जनवरी में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लो जाता है या सब जीरो तक भी जाता है कई बार, तो उसकी वजह से भी ये डैमेज होता है। और इससे फ्रस्ट डैमेज से बचने के लिए व्हाइट बटर पेपर बैग या परफोरेटेड पॉलीथाइलिन बैग भी यूज कर सकते हैं और प्लांट कवर जो नून वोवन फैब्रिक क्लॉथ आता है व्हाइट कलर का उसको भी रेगुलर कर सकते हैं। और खासकर जो ये विंटर मंथ होते हैं दिसंबर जनवरी में तो प्रॉपर इरीगेशन शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड फॉरेस्ट डैमेज, और इससे बचने के लिए जो सिंचाई होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बायोटिक स्ट्रेसेस की बात करें तो जो राजस्थान में माइट का इंफेस्टेशन का जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर पेस्ट है फॉर्म यूनिट की, ये माइट होते हैं जो रेड कलर के होते हैं ब्राउनिश कलर के होते हैं और मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग हॉट ड्राई स्पेल जो शुष्क वातावरण होता है अप्रैल टू अक्टूबर इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। ये शाइनी वाइट और इसका जो सिम्टम्स होता है पत्तियों के शाइनी वाइट पैचेस बन जाते हैं लोअर साइड में, और जो अडल्ट और निप होते हैं वो लोअर साइड से इसका जो सेप होता है उसको सक करते हैं जिसकी वजह से पत्तियाँ गिरने लगती हैं।
अगर अगर इन पत्तियों को थंब से और अंगूठे से रब करेंगे तो अंगूठा और वो उंगलियों का कलर होता है वो लाल हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये माइक इन्फेस्टेशन है और ये मेजर पेस्ट है। अगर वाटर रिटेंशन की बात करें तो यहाँ के जो इसको मेजर प्रॉब्लम को देखते हुए आईसीएफटीएच ने हमारे संस्थान में ये फॉर्मुलेट का जो जर्मप्लाज्म है उनको 73 फॉर्मुलेट को जर्मप्लाज्म को जो माइट इंसिडेंस है उनके टेस्ट पर किया गया। तो कुछ जो जर्मप्लाज्म है जैसे ग्लूशिया रोज पिन साइकारिन उनमें बहुत कम वेरी लो इंसिडेंस रिपोर्टेड है, अब 5 or 10% रिपोर्टेड है। तो कुछ जर्मप्लाज्म ऐसे हैं जैसे कजाकी नारवा IC318712 बैचिंग सिटलिंग उनमें मोर देन 50% यानी कि वेरी वेरी सीवियर इंसिडेंस रिपोर्ट की गई है। और इसमें जो शुरू में क्या होता है कि पौधे में येलोइंग लीफ जैसे ये रेड कलर रेडिश कलर का जो लीफ का होती है फिर कम्प्लीट डिफोलेशन हो जाता है अगर प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं। और माइट को इजीली मैनेज किया जा सकता है अगर प्रॉपर जो स्प्रे किया जाए और रेगुलरली इसको मॉनिटर किया जाए। जैसे ही इसकी इंसिडेंस रिपोर्ट होती है एक या दो पौधों में तो पहले तो इसको ये क्यों इसका मेजर रीजन होता है कि ड्राई ये जो ड्राइनेस होता है ड्राइनेस होते हैं या जो प्रॉपर इरीगेशन सप्लाई नहीं होते हैं उसकी वजह से भी होता है। इसलिए हमें इरीगेशन रेगुलरली देना चाहिए और जो फ्लावर रेगुलेशन होता है वो भी इसकी माइट को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब होता है क्योंकि जो इसमें जो डिपोलिंग एक महीने तक वाटर स्टार देते हैं 30-35 जो पत्तियाँ होती है वो गिर जाती है। रिटेल एप्लीकेशन करते हैं तो मोर देन 90% पत्तियाँ गिर जाती है। मोस्टली जो इंसिडेंट होता है वो इन पत्तियों में ही होता है और जो गिरी हुई पत्तियाँ हैं उनको इकट्ठा करके ऑर्चार्ड के बाहर जला देना चाहिए या डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ऑर्चार्ड में नहीं रखना चाहिए। और इसके मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉपर लाइक जो दवा आती है जो पेस्टिसाइड आता है माइटीसाइड होता है उसका यूज करना चाहिए। टेक्नोमाइट या वूमाइट के नाम से भी अवेलेबल है, ये 1 ml/L के हिसाब से यूज करते हैं। अगर जब इससे कंट्रोल नहीं होता है तो सेकंड स्प्रे जैसे स्पायरोमेटिकन जो इंसेक्टिसाइड आता है उसका स्प्रे करना चाहिए। ये खासकर इसका कंसंट्रेशन का ध्यान रखना चाहिए 0.5 ml से कम होना चाहिए पर लीटर के हिसाब से और इनको रोटेशन में यूज करना चाहिए। इसके अलावा डाइकोपाल भी यूज कर सकते हैं। अगर किसान भाई माइट को मैनेज करना चाहते हैं तो रेगुलर जो वाटर सप्लाई है और इरिगेशन प्रॉपरली रखें और प्रॉपर लाइट और स्पायरोमेटिक इन दोनों दवा का रेगुलर रोटेशन में यूज करेंगे तो 2 स्प्रे से ये इजीली कंट्रोल हो जाता है अगर नीचे स्टेज में है। अगर फिर ज़्यादा होता है तो फिर 3 या 4 स्प्रे में जाना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्लो रेगुलेशन या बाहर ट्रीटमेंट होता है ये हाईली इफेक्टिव वेरी इफेक्टिव इन पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि इसमें हर में जो 90% जो लीफल होता है जैसे एक महीने तक पानी रोकेंगे इससे प्लांट कंप्लीट डिफोलिएट हो जाता है। इसके बाद में 1% बॉर्ड एथमिस्टर का स्प्रे भी करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का भी ग्राउंड से स्प्रे करते हैं तो इससे प्लांट पूरा सैनिटाइज हो जाता है, उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट या पैथोजन नहीं होता है, उसका कोई भी इनोक्यूल नहीं होता है और जो न्यू ग्रोथ आती है वो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज होती है। इस प्रकार ये फ्लो रेगुलेशन है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो ये खासकर मार्च अप्रैल मंथ में जब टेम्परेचर बढ़ता है उस टाइम ये आता है। इसमें जो होता है ये वाइट ग्रीनिश एसिड होता है, वाइट और ग्रीनिश कलर का होता है, वो न्यू ग्रोथ है और फ्लोर बर्ड से देखा जा सकता है। और अगर इसको पहचानने के सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है इसका पेस्ट का जो सैनिटिव लाइक एरब के टाइप का जो पदार्थ सिक्रेट करता है ये सिट्रस और ये हाई ह्यूमिडिटी में ज़्यादा फैलता है। और एसिड के लिए मैनेजमेंट के लिए क्योंकि इसके अल्टरनेट हॉर्स होते हैं एसिड का वो रोज ये जो इसका इंडिकेटर प्लांट भी है और इसमें बहुत ज़्यादा इंफेक्शन होता है तो उसको ग्रो नहीं करना चाहिए। और इसके एसिड के मैनेजमेंट के लिए जो इमिडाक्लोप्रिड जो 18.8 SL जो ये पेस्टिसाइड आता है उसका 0.5 ml या फिर थायोमेजोक्सिन 25 जो ग्रेन यूज करते हैं 0.5 ml/L के हिसाब से यूज करना चाहिए। और न्यू सीड जब न्यू शूट ग्रोथ इमर्ज होती है खासकर एसिड का मार्च अप्रैल में ही इसका इंसिडेंस होता है, उसके बाद में इसका इंसिडेंस बहुत कम आता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो टर्माइट मैनेजमेंट, ये मेजर टेस्ट नहीं है हॉट एरिगेशन लेकिन इनिशियल स्टेज ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट में दिस इज मेजर फैक्टर टर्माइट मैनेजमेंट क्योंकि जो एरिड सॉइल्स होती है सैंडी सॉइल्स होती है उनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। अगर आप कोई भी अनार का पौधा लगाएंगे किसान भाई
तो लगाने से पहले माइट का माइट का प्रॉपर मैनेजमेंट नीम के क्या जैसे फील्ड है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डेब्रिस होना चाहिए। और दूसरा अगर पौधे पे अगर जैसे ऑर्चर्ड लगा रखा है उसके आ जाए तो जो कई बार स्टेन पे भी इसका इंफेस्टेशन रिपोर्ट किया गया है तो उसको ट्रंप में जो टनल्स होती है जो माइट उसको स्प्रे करके मेलाथियन भी यूज करते हैं और खासकर जो नीम केक होती है 1 to 2 kg पर प्लांट यूज करना चाहिए। और जो जिन पौधों में इनका खासकर जो क्लोरोपाइरिफॉस दवा होती है वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करते हैं। और जो एरिगेशन में ट्रे जो अनार होता है उसको मल्टीपल स्टेम 3 to 5 stem होता है उसमें ट्रेन करना चाहिए ताकि अगर कोई भी स्टेम डैमेज हो जाए तो इजीली ट्रमाइट का मैनेजमेंट किया जा सके। और नेक्स्ट जो पेस्ट की बात करें जो रूट नोड निमेटोड है वो मोस्ट इमर्जिंग पेस्ट है इन राजस्थान ऑल्सो अंडर हॉट एयर क्लाइमेट। ये क्यों है? क्योंकि जो मोस्टली प्लांटिंग मटेरियल जो किसान भाई यूज कर रहे हैं वो टिश्यू कल्चर यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इसका स्प्रीड का जो मेजर रीजन होता है रूट नोड निमेटोड का वो वाटर से, सोइल से या कोई इक्विपमेंट हम बाहर से लेके आते हैं या इंफेस्टेड प्लांटिंग मटेरियल होता है, इन चार के अलावा निमेटोड के फैलने का कोई भी तरीका नहीं होता। तो किसान भाई अगर इन चारों फैक्टर का ध्यान रखेंगे वाटर, सोइल, इक्विपमेंट और प्लांटिंग मटेरियल तो निमेटोड के इंफेस्टेशन को काफी कम किया जा सकता है या इसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए जो सिम्टम्स होते हैं किसान भाई इसको कैसे पहचाने? जब इसका इनिशियल स्टेज में जो इसका इंफेस्टेशन होता है तो फर्स्ट ईयर में जो पौधे की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, प्लांट बिकम स्टंटेड, तो उसका ग्रोथ होता है पत्तियों का जो प्लांट का ओवरऑल फॉलिक ग्रोथ होता है वो काफी कम हो जाता है दूसरे पौधों की बजाय। और जो कुछ 6 महीने या 1 साल बाद में जो पौधे पीले पीले होने लग जाते हैं और फिर उनमें विल्टिंग साइज में स्टार्ट हो जाती है और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में प्लांट पूरा ड्राई हो जाता है और उसकी जो रूट होती है उसमें जो नोड बन जाते हैं जो ये इस टाइप की नोड भी आप अगर की जड़ों को निकाल के देखेंगे तो उसमें कांटे बनी होगी, तो इसका मतलब ये रूट नोड निमेटोड का स्पेसिफिक है। इसके लिए मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका ये है कि यूज टिश्यू कल्चर प्लांटिंग, टिश्यू कल्चर का जो प्लांटिंग मटीरियल होता है वो निमेटोड और अन्य पेस्ट से फ्री होता है तो वो यूज करना चाहिए। और जो इसके फैलने का जो मोस्ट रीजन है वाटर, सोइल और इक्विपमेंट, इसको फ्लडिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा सोइल या इक्विपमेंट अगर बाहर के जिसमें इंस्पेक्टर और चार्ज से अपन लेके आते हैं या कोई सोइल या कोई इक्विपमेंट तो वो नहीं आना चाहिए। और कटिंग है खासकर जो कटिंग कई बार किसान भाई कटिंग लेते हैं अगर इंस्पेक्टर पता हुआ तो वो नए और चार्ज में चला जाता है, तो कटिंग भी है वो टिश्यू कल्चर पौधों से लेना चाहिए और डिसीजन होना चाहिए। अगर और चार्ज में अगर निमेटोड इंफेस्टेशन हो जाता है इंटरक्रॉपिंग विद मैरीगोल्ड स्पेस निमेटोड और इसको निमेटोड के इंफेस्टेशन को कम करने के लिए जो अफ्रीकन गेंदा होता है जैसे पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा उसको लगाना चाहिए, जो बड़े वाला गेंदा होता है जिसे अफ्रीकन मैरीगोल्ड बोलते हैं। इसके अलावा किसान भाई नीम केक होता है 2 to 5 kg पर प्लांट वो भी यूज करते हैं। और अगर इंफेस्टेशन ज्यादा हो तो जो लिमिटेड केमिकल आता है 2% तो 40 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से जो पौधे के चारों तरफ ड्रिपर होते हैं उनमें अप्लाई करना चाहिए और इससे निमेटोड के इंफेस्टेशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हॉट एरिड रीजन की बात करें तो बर्ड भी कई जगह वेरी सीवियर प्रॉब्लम है और बर्ड्स में भी खासकर पैरट और जो स्पैरो होते हैं तोते और चिड़िया होते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि अनार लगा लिया, सब कुछ मैनेज किया, लेकिन जब फाइनल जब उसमें एरिड का कलर डेवलप होता है या थोड़ा सा मीठा होता है अनार तो बर्ड का डैमेज बहुत ज्यादा सीवियर होता है। तो किसान भाई को इस बर्ड के फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए, पक्षियों के भी दिक्कत हो सकती है। अगर ऑर्चर्ड छोटा है और आइसोलेटेड है तो एंटी बर्ड नेट भी यूज कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट हाई होती है लेकिन ये इफेक्टिव होता है मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा किसान भाई बर्ड कैरिंग भी बनाते हैं या जो साउंड मेकर सिपाही आते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर फ्रूट या प्लांट को जैसे प्लांट को नॉन वून फैब्रिक वेब से कवर करेंगे तो बर्ड के डैमेज को कम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट बैगिंग से भी बर्ड के डैमेज को बदला जा सकता है। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है ये एंटी बर्ड नेट है, इसको अगर स्मॉल ऑर्चर्ड है तो इसमें यूज कर सकते हैं लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। इसके अलावा बर्ड कैरिंग रिपन होता है, इससे क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं वो इसकी जो ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसका रिपन का उसकी वजह से बहुत कम आते हैं। इसके अलावा जैसे फार्मर फील्ड पर देखा गया तो फार्मर
ये जो सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क जो कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस में यूज करते हैं, अगर वो पुरानी सीडी या जो खराब सीडी होती है उनको भी अगर किसान भाई जो ऊपर तार लगा के या ये तार से बांध देंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा और वो धागे से बंधी होगी तो वो रोटेट होती रहेगी, उसकी वजह से भी स्कैरिंग होता है। और ये एंटी प्लांट कवर भी यूज करते हैं नॉन वोन फैब्रिक बैग, उससे भी इससे जो बर्ड के डैमेज है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फंगल स्पॉट एंड रोट जो मेजर प्रॉब्लम होती है, फ्लोर रेगुलेशन फंगल एंड स्पॉट रोट की बात करें तो इसके मैनेजमेंट के लिए जैसे ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर अपन ये जो बाहर लेते हैं लेट मरिक पार और आस पार लेते हैं उसमें जून में स्टार्ट दे देंगे, जुलाई अगस्त सितंबर में फ्लोरिंग होगी, फरवरी मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होगी, तो जो हाई ह्यूमिडिटी पीरियड होता है उसे बचा जा सकता है और इसके इंफेस्टेशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर रेनी सीजन में इसका इंफेस्टेशन फ्लोर पे या पत्तियों पे होता है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये फंगिसाइड्स होते हैं डाइकोनाकोनाजोल प्रोपिकोनाजोल 1 ml 0.5 to 1 ml per liter के हिसाब से और रोटेशन में यूज करना चाहिए। और खासकर जो ये डिजीज होती है जो फंगल स्पॉट एंड रोग, ये जो हॉट एड रीजन में मोस्टली जो क्लोटेड ट्राइकोम या एंथ्रेक्नोज जिसे बोलते हैं उसकी वजह से होता है, कई बार ये टर्कोस्पोरा भी रिपोर्ट किया गया है। तो इसमें फंगल स्पॉट एंड रोग में फूलों पे इसमें फूलों पे और फ्रूट पे और पत्तियों पे भी स्पॉट बन जाते हैं, निचिल में ये ब्लैक कलर के होते हैं, बाद में ये ड्राई हो जाते हैं और ये क्रैकिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें किसानों के एक्सपीरियंस विद फार्मर्स, तो फार्मर फील्ड पे जैसे राजस्थान के बात करें तो खासकर राजस्थान में अनाज की खेती जैसे बाड़मेर में की जाती है, तो वहाँ पे जो हमारे भारत सरकार के द्वारा SC ST जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान प्रोजेक्ट है उसके तहत जो SC ST प्लान चलाया जा रहा है उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें शुष्क फलों पे जो उनको किसान भाइयों को जैसे ये ट्रेनिंग होती वाला है जो बाड़मेर में गुडमलानी में विलेज है वहाँ पे दी गई है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो गुडमलानी में उसके सहयोग से ये ट्रेनिंग आयोजित की गई है और किसान भाइयों को गुणवत्ता युक्त जो बहुत सामग्री है जैसे अनार है और अन्य शुष्क फल है करुंदा फालसा सैतूत और उनके फल भी विकसित किए गए हैं। इसके अलावा जो बाड़मेर में अन्य विलेज है धांधलवास वहाँ भी किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है SC ST के तहत, किसानों को फल और सब्जियों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा जैसे लास्ट ईयर अगस्त में यहीं ओरन कैंपस के बीकानेर में ट्रेनिंग प्रोग्राम गुजरात के किसानों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें गुजरात के 25 जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उन्होंने भाग लिया जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट से थे। जैसे ये हम फार्मर है प्रोग्रेसिव फार्मर है गुड़ीवाला बाड़मेर के, जो बाड़मेर का क्लाइमेट है वो अनार की खेती के लिए हाईली सुटेबल है, उसकी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी आती है, जो कलर है वो भी बढ़िया आता है और बाड़मेर में खासकर जो ये लेट मरिक बार और हाथ बार जो अगस्त सितंबर अक्टूबर की फ्लोरिंग होती है उसी को लेते हैं और जो हार्वेस्टिंग होती है वो जनवरी फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक होती है। और ये अन्य प्रोग्रेसिव फार्मर है संतोष देवी केदार फ्रॉम सीकर डिस्ट्रिक्ट एंड ही इज वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने क्या है कि जो अनार की खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिकली भी कर रहे हैं और जो अन्य जो तकनीक है सोलर जो पैनल है सोलर ऊर्जा है उससे जो वाटर सप्लाई है उसको भी कर रहे हैं, इसके साथ में वो ये जो अनार का गुणवत्ता पौधा सामग्री का भी उत्पादन कर रहे हैं जो कटिंग से पौधों को मल्टीप्लाई करके किसानों को दे रहे हैं, इसके लिए इनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अवार्डेड है इनको पुरस्कृत किया गया है। जैसे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये हमारे फार्मर है नारायण गोदारा जी, ये प्लाना के हैं, ये यहाँ भी जैसे फ्लोर रेगुलेशन है और इफेक्टिवली किसान भाई मैनेज कर रहे हैं, जैसे इस चार को देख रहे हैं ये ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड है जैसे इसमें इसराइल अप्लाई किया है इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी और ये जमीन पर देख सकते हैं कि मोस्टली लीफाल हो सकता है, ये जो सेमी ऑर्चार्ड है ये प्रोटीन स्टेज का है, इस ऑर्चार्ड में जैसे प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट है फ्लोर रेगुलेशन है वाटर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है और फ्रूट साइज भी अच्छा है 250 से 300 ग्राम का ऑब्जर्व किया गया और क्रैकिंग इंसिडेंस भी बहुत कम थी। लेकिन जो इसमें क्या हुआ था कि जैसे इन्होंने कुछ पार्ट था पौधे थे उन्होंने जो ट्रीटमेंट था वो लेट दिया था, जो बाहर रेगुलेशन का जो ट्रीटमेंट होता है कुछ पौधों में जैसे अगस्त सितंबर अगस्त में दिया तो उससे उसकी फ्लोरिंग लेट हुई, यानी कि हर बार या लेट हर बार में पूर्व नंबर का फ्लोरिंग है और जो उससे हार्वेस्टिंग है इनकी
वो लेट हुई, वो मई जून में जब राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें कलर जो भगवा वैरायटी है उसका भी कलर फैड होने लगता है, वो वाइटिश हो जाता है और आयरन फ्लोर भी प्रॉपर नहीं होता है। ये एक डारी फार्मर है पुराना के नियर बाई बीकानेर के हैं, ये इन्होंने भी एक अच्छा कैनोपी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बाहर ट्रीटमेंट और फ्लोर रेगुलेशन कर रहे हैं, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। ये फर्टिलाइजर टैंक जो नीचे दिखाया गया है वो यूज़ करते हैं, इनका साइज है वो भी अच्छा आ रहा है, और जो क्रैकिंग है वो भी लो है 10-15% है, और लेकिन फ्रॉस्ट इंसिडेंस रिपोर्ट की गई है। ये अन्य फार्मर है सुजा सर के हैं जो बीकानेर के हैं, और इन्होंने जो टेरिटेशन में ये होटल लगा रखा है, कैनोपी मैनेजमेंट है, लेकिन इन्होंने फ्लोर रेगुलेशन नहीं किया था और वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो कर रहे थे, लेकिन इनका जो प्रॉपर जो इन्होंने फ्लोर रेगुलेशन नहीं किया था तो उनकी सेजर हार्वेस्टिंग भी और फ्रूट साइज भी कम आ रहा था 160-210 ग्राम, और क्रैकिंग भी हाई रिपोर्ट की गई। और किसान भाई जैसे ये बायोपेस्टिसाइड जैसे ये फर्टिलाइजर टैंक यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट टाइप में पिट बना लेते हैं, उसमें जैसे जो भी ये फार्म के हैं जो ये बायो प्लांट है, ये जो जैसे तुम्बा हुआ, आकड़ा हुआ, धतूरा हुआ, इनका यूज करते हैं, और इसका जो है स्ट्रक्चर को डिकम्पोज करके के पास में ही छोटा टैंक बना होता है उसमें लेके जाते हैं, और इसको स्टैंड करके मशीन क्लोथ से इसको वेंचूरे के थ्रू और इसका पॉलिस्टर भी करते हैं और ड्रिप सिस्टम के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, और जो ये सलरी होती है इसको फिर 2-4 महीने में रोटेट करके इसको ड्राई करके जब ये फुली डिकम्पोज होता है तो एज ए मैन्यूर इसको यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो टैंक बना हुआ है इसमें ये जैसे यहाँ एरिड रीजन में जो तुम्बा होता है जो प्रोसेस होता है और जो गार्लिक होता है या अन्य कोई भी वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है, एज ए बायोपेस्टिसाइड। उससे क्या होता है कि जो साइज होता है वो अच्छा आता है। ये हजारीगांव है जैसलसर नियर बाई बीकानेर के फार्मर है, वेरी गुड मैनेजमेंट है, इन्होंने लगभग 1700 पौधे हैं, उन्होंने लगभग 12-15 लाख से इनकम प्राप्त की है। ये जो फार्मर हैं ये क्या है कि प्रॉपर इन्होंने प्रॉपर रेगुलेशन सप्लाई कर रखा है, कब स्ट्रेस देना है, कब प्रूनिंग करना है, जैसे ये स्ट्रेस पीरियड है इन्होंने वाटर सप्लाई को ये रोक रखी है और ये बाहर प्रूनिंग अभी कर रहे हैं, इसके बाद में ये प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं कब फ्लोरिंग लेना है, कब हार्वेस्टिंग लेना है। ये बीकानेर के ही अन्य बीकाना सा के फार्मर है, रश्मि फार्म है, ये फार्मर हमने जब विजिट किया तो ये थोड़ा एयर जो सैंडी सोल था उसके था, थोड़ा हाइट पे था और पूरा ये ड्राई था, उनका जो वाटर मैनेजमेंट था वो भी प्रॉपर नहीं था, वाटर सप्लाई भी कम थी, और ये जो ड्राई एरिया होने के कारण और जो सुस्त वातावरण और गर्म तापमान होता है उससे माइट का इन्फेस्टेशन सीवियर रिपोर्ट किया गया। और खासकर मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो ये जो राजस्थान में अनार की खेती के लिए माइट का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो इस सिंपल इस डिजीज की जो टेस्ट की वजह से कई और चार्ट अप्रूव हो चुके हैं, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में इसको मैनेज नहीं करते हैं तो प्लांट पूरा डिपोलीज होता था, और नेक्स्ट ईयर में अगर इसको मैनेज नहीं करेंगे तो प्लांट ड्राई होकर ड्राई होने लगता है। और ये जो हमारे जो फार्मर हैं विनोद जैन है, ये काना सकते हैं, इनको हम लास्ट ईयर विजिट किया था, ये नियम भाई दुकान ये काना सकते हैं, इन्होंने जैसे किसी की एडवाइस पे अनार के पौधे लगा लिए, ग्रोथ पौधों का अच्छा था लेकिन उन्हें प्रॉपर फ्लोर रेगुलेशन कौन सी बाहर लेनी है कब जाना है उनका अंदाजा नहीं था, इन्होंने नेचुरली जो जनवरी फरवरी में टूटा है वो भी ले लिया फरवरी, और फिर मृत बार में जो जून जुलाई में फ्लोरिंग वो भी उसको भी रेगुलेट किया आगे ले गए उसको, और हर बार में खुलाए, उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है वो बढ़िया नहीं आई, और प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट उनका ठीक ठाक था तो फ्रूट साइज बहुत कम आया और क्रैकिंग इंसिडेंस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई। और ये जो ऑर्चर्ड था ये जो देख रहे हो पीछे उनके जो स्टोरेज ग्रेन गोडाउन होते हैं जो अनाज स्टोरेज के लिए जो होते हैं उनके बीच में ये ऑर्चर्ड था, तो वहाँ पे जो पैरट की और बर्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से भी इनको काफ़ी नुकसान हुआ, तो फिर हमने इनको फ्लावर रेगुलेशन के लिए एडवाइस किया, तो लास्ट ईयर ये लेट हो गए थे, इन्होंने अगस्त में जो फ्लावर रेगुलेशन का ट्रीटमेंट किया और सितंबर अक्टूबर में इनकी फ्लोरिंग हुई, लेकिन इसकी जो हार्वेस्टिंग हुई है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हार्वेस्टिंग लेकिन जो लेट हार्वेस्टिंग भी मई और अप्रैल मई में तो यहाँ पे टेम्परेचर शूट अप हो जाता है, तो इससे जो कलर होता है वो फैड अप होने लग गया और एग का कलर भी प्रॉपर लग गया, लेकिन दिस ईयर दे हैव मैनेज वेरी वेल फॉर चार्ट प्रॉपर उनका कैनोपी मैनेजमेंट करता है, और जून में इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है और अभी ये फ्रूट सेट स्टेज में चल रही है। ओवरऑल अगर राजस्थान की जो प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट की अनार के लिए बात करें तो अनार एक बहुत प्रॉमिसिंग और इमर्जिंग क्रॉप है।
जिसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज इंसिडेंस होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री लाइक महाराष्ट्र कर्नाटका, लाइक बैक्टीरिया ब्लाइट डिजीज नहीं होती है, वेस्ट भी नहीं होती, अगर किसी को अच्छा प्लांट है तो निमेटोड का इंफेस्टेशन भी नहीं हुआ और वास्ट एरिया इज अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। राजस्थान के जो होट एरिया डिस्ट्रिक्ट होते हैं बाद में जैसलमेर बीकानेर तो लार्ज एरिया अवेलेबल, और खासकर अनार की बात करें तो जैसे ये जो सेलाइन वाटर होता है उसको भी टेलोरेट कर लेता है, और जहाँ पे ग्राउंड इरीगेशन वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे अनार की खेती की जा सकती है। और खासकर जो किसान भाई है उनको मैं बताना चाहूँगा कि अनार है ये हाईली टेक्निकल क्रॉप है, टेक्निकल इन द सेंस जब हम फलों की खेती की बात करते हैं तो जैसे ग्रेप हो गया या एप्पल हो गया उनमें प्रॉपर हमें कैनोपी मैनेजमेंट कैसा करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसा करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना कैसे करना है, और खासकर जब अनार की बात करते हैं इसमें साल में 3 बार फूल आते हैं, ओल्ड क्रॉप पे भी आते हैं न्यू क्रॉप पे भी आते हैं, उसका भी बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट होना चाहिए, और 3 टाइप के फूल आते हैं। तो किसान भाइयों को ये भी समझना चाहिए कि जो काम के फूल होते हैं जो बाइसेप्टिक फ्लोर होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि वो उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो प्रॉपर फ्लोर रेगुलेशन, कैनोपी मैनेजमेंट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और खासकर रेड रीजन में जिनमें सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं तो वहाँ वाटर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, खासकर ड्रिप सिस्टम जो इरीगेशन का जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है वो यूज करनी चाहिए, जैसे इसके लिए 50 kg FIM, 325, 250 जो NPK है वो कब देना है, स्ट्रेस जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसमें कितना देना है, और जो ग्रोथ पीरियड है उसमें कितना देना है उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है जैसे बोरोन हो गया, जिंक हो गया है, या उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और प्रॉपर उसका स्प्रे करना चाहिए जिंक मैग्नीज, और हॉट एरिड रीजन में एबायोटिक स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो फूड क्रैकिंग में सीवियर प्रॉब्लम है, और फूड क्रैकिंग को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वातावरण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो इसकी जो इंसिडेंस होती है जो 40% होती है उसको रिड्यूस करके 5-10% तक लाया जा सकता है, खासकर जो बीकानेर या नियर बाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके लिए प्रॉपर फ्लो रेगुलेशन होना चाहिए, और खासकर जो लेट मृग और हस्तवार होते हैं उसको रेगुलेट करके फरवरी मार्च और अप्रैल तक जो हार्वेस्टिंग होगी उसका साइज भी बढ़िया आएगा, कलर भी बढ़िया आएगी, गुणवत्ता भी अच्छी होगी, ट्रैकिंग इंसिडेंस भी कम आएगी। अगर हमने हार्वेस्टिंग लेट कर दी यानी कि मई अप्रैल मई जून में हार्वेस्टिंग जा रही है तो टेम्परेचर शूटअप हो जाता है और भगवा जो रेड कलर की वरायटी है जिसका स्किन और ऑयल कलर रेड होता है वो फैड अप होने लग जाता है और एग्री का प्रॉपर कलर डेवलप नहीं हो पाता है जिससे रेड प्रॉपर मार्केटिंग उसकी नहीं होती है। इसके अलावा सन कैलरी रनिंग और फ्रॉस्ट का मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बायोटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो माइट मेजर चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन हॉट एरिड, और फंगल स्पॉट ये इसी जान से इंपॉर्टेंट, ये भी जो रेनी सीजन होता है तो उसका प्रॉपर ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग। रमेश हेलो, डॉक्टर रमेश प्लीज हिस्टन, ठीक है, ओके ओके सर, यस नाउ दैट आफ्टर दैट द अगर ओवरऑल बात करें तो उसके बाद में किसान भाइयों को ग्रेडिंग और पैकेजिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अनार के लिए, अगर किसान भाई प्रॉपर साइज के हिसाब से कलर और जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसमें जो उसको ग्रेडिंग करके मार्केटिंग करेंगे तो किसान भाइयों को अच्छा लाभ होगा। ओवरऑल राजस्थान के लिए अनार एक बहुत अच्छी क्रॉप है, लेकिन इसकी खेती करने से पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इसमें फ्लोर रेगुलेशन, कैनोपी मैनेजमेंट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। धन्यवाद डॉक्टर रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को, आपने जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं और संभावनाएं हैं अनार की खेती में उसके बारे में रूबरू कराया। हम क्वेश्चन आंसर सारे जो है एंड में ले रहे हैं, तो इसी के साथ मैं जो हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर मंजुनाथ जो कर्नाटक की बात करेंगे, अब हम सीधे राजस्थान से कर्नाटक की तरफ पहुंच रहे हैं, कर्नाटक के अनार की खेती की समस्याएं और संभावनाएं इन इस विषय पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मंजुनाथ जी को। हाँ थैंक यू डॉक्टर रमेश। तो शाल आई स्टार्ट सर? यस यस यस। तो थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द आउटसेट आई लाइक टू थैंक
the whole NRCP and particularly Dr. Jyotsna Madam for giving me an opportunity to be part of this workshop or series of lectures. And I'm always thankful to the NRCP for giving me every opportunity and for making me participate in the most of the pomegranate programs. And here I'm preparing my talk based on the farmer feedback. I'll share my lecture. Dr. Manjunath, we'll be in brief actually. Yes, sir. I'll not take more than 20 minutes. Okay, because we have already had. Yes, I understood. Okay, the topic of presentation is given is like problems and prospects. I make it slightly different, like pomegranate in 2020, because we have been talking pomegranate over the years, but we need to discuss the issues in 2020. That's why I gave a topic like 2020. Hope my the videos are sharing. Not yet, Dr. Manjunath. Now you have started. Yes. Just double click it. Yes. Hope it is visible. Yes, it's visible. So that's why I'm making the topic like challenges and opportunities. I'm representing the Horticulture University Bagalkot in Karnataka. And this is a very typical situation of the Karnataka pomegranate area, where the total area of the production is nearly 29,000 hectares in Karnataka, and almost 12,000 farmers have been engaged in the pomegranate the cultivations. And the calculated the production is 30 million tons from the Karnataka, with the average productivity of 10 tons per hectare. And this is how the horticulture, the situation in the Karnataka, where overall the horticulture crops, 3.8% of the area of horticulture is with the fruit crops. Out of 3.8%, 18% of the area is with the pomegranate. And this is where the institutions are working for a pomegranate as an academic issue, where the Bagalkot and again IH, the National Center of ICR, is also working on the pomegranate. And University of Agricultural Science, Dharwad, UAS Bangalore, UAS Raichur, UHS Shivamogga, and a center of specialization like COE, Center of Excellence in Pomegranate, is also working on a pomegranate. But very typically, all these centers are only concentrating their the work and studies on the PG research, as the strategic or the project mode of the research are very, very few. And out of that, again, the plant pathology area is much focused than the any other areas, particularly the breeding and entomological aspects are not all focused from all Karnataka University of Agricultural Sciences. This is just to give the overview picture. And I find this is the presentations I have prepared based on the feedback of the farmers. And also we're taking the experience of the last decade, where I'm associating with the pomegranate. So the big opportunity is still the area expansion is possible for pomegranate. The recent picture says in Karnataka is the non-traditional areas where in the southern part of the Karnataka, like Mysore, Mandya, Chamrajnagar, or Hasan and Chikmagalur. Now the area is expanding in pomegranate. And although these areas are not suitable, where the rainfall range is a little higher over the northern Karnataka, still the area is expanding. But the problems of the fruit rot is really high in these areas. However, even in the northern Karnataka, the provision for area expansion is too high. So where we can still go 50 to 60,000. Yet, if you compare to any other the fruit crops, like horticulture crops, under the field condition, pomegranate is still profitable. And definitely it is giving 1:1. If you invest the 1 rupee and it is contributing not less than 1 rupee, even for, in the worst conditions in 80% of the farmer situations.
And what another most important opportunity we are finding in Pomegranate is entrepreneurial activity and pomegranate based business, starting from the input supply to the farmers to the marketing. So input supply, we calculated more than 20 million rupees is spending for the pomegranate inputs. So where the new startups are coming in Karnataka to provide the inputs to the farmers directly, where the farmers are getting lesser, I mean, the cost, 20% to what now they are spending. If they are spending 100 rupees, now the inputs are supplying by some of the companies directly to the farmers by reducing 20% of their cost of the investment. That is, again, I mean, it is most promising and it is beneficial to the farmers. And the marketing aspects, if you come, there is a scope to improve the popularization of the pomegranate health benefits to the consumers, wherein definitely it need to be expanded for making the pomegranate marketing is easy. Still, the consumers of the pomegranate are from the different creamy layers who understood the health benefits of the pomegranate. So that, hence, we need to popularize the health benefits of the pomegranate to the much wise and much, I mean, among the population elsewhere, including Karnataka. And I make it as the opportunity, but there are big challenges for the pomegranate. And what I mean, based on the discussion, the still pomegranate is not very profitable to a marginal farmer, some ignorant farmers who are not able to be in connection with a technical team, or the research institutions, or the progressive farmers. And if you compare the marginal the farmers the status, I mean taking the data, the more than 50% of the marginal farmers are not happy with pomegranate productions because the technical knowledge they are getting from the institutions or the technical people is very, very meager, and I could say it is almost nil. But they are not happy with the pomegranate. And another thing is the most of them feel in a pomegranate it is a cash crop, which gives a better revenue and a better, the returns. So that's why the people having the money is investing on the pomegranate production, and they are the absentee land, the lots or the land owners who are not also successful, but they are ready to invest the money, but they're not getting the proper returns. They're also not very encouraging factors to them. And another most important, the personality factor I'm listing in pomegranate to the farming is a non-technical consultation is really a big problem in Karnataka, where we listed with the economic the group, more than 500 to 1,000 people are working in the clusters. And out of them, the total expenditure to the farmers are going high, more than 30%, 30 to 40%. And again, the returns on the investment is becoming less because of the non-technical advice and non-technical advisory. These are the personality factors I'm listing. And another the big challenge we are facing in the pomegranate is almost the 5,000 acre of the pomegranate in the Karnataka is under shifting. 5 to 6,000 area is like switch over to other crops, or they're becoming the barren for over the years. And another 5 to 6,000 acres are expanding. In the expansion, still in the Karnataka, though NRCP and the universities are encouraging to use the tissue culture material to make use as the infection, disease infection free materials. But still, the air layering and hardwood cuttings are being planted. More than the new 30% of the area is also not encouraging. And that's how it is becoming a challenge. And soon after, within a 6 months to 8 months, this is the problem the farmers are noticing, whether maybe the blight or the wilt. In case of the wilt, the planting, the mixture like a soil is the carrier material for the nematodes, and the nematodes are easily shifting from the infected area to healthy area. That's how the wilt spread is quite possible in all the air layering and hardwood cutting, the planting, the regions. And I'm also like to discuss in the crop management. So the bar selection, as we we envisaged three seasons, like Ambebhar, Drugbhar, and Astbhar. But the farmers are not readily following this because of the many issues, like the much
the SRT issue is the marketing is the issue. If the mango comes, pomegranate, the marketing is difficult. And it is also the matter of the monsoon today, in the vagaries of the monsoon, they're trying to switch the bar selection. So we need, this is the compilation I made from the feedback of the farmers. We, the scientists, need to work like a temporary or ad hoc need-based advisory available to the farmers on a special conditions. I'm keeping these two pictures here. Like they started in the Brugh Bar, but under the Brugh Bar, under the heavy rainy conditions, where the flowering is becoming the major challenge. So as we all know that the pomegranate is the crop which can flower throughout the year, we need to concentrate to develop a knowledge. Can we help or can we develop the advisory to the farmers under the critical conditions of heavy rain and switching over to the bars other than these three envisaged bars? And again, there is a very detailed information is being given by the NRCP particularly, but still the ambiguities are really prevailing among the farmers over the canopy and the fruit size. But that's how still the many farmers, more than 40% of the farmers are not readily keep the canopy to maintain the fruit size, but it is not is always the results we are looking from the farmers. It is not correlating to the canopy and fruit size, but the farmers are really wanting the very the knowledge from the research group, how to maintain the canopy for the better fruit size. Should we reduce the emerging shoots or to be removed? The removal of the canopy, the new emerging canopy to be removed or not is the question always the farmers have. And again, the pruning is the confusion have. How to maintain, how to differentiate, how to make the better fruit setting in the mature and the fresh shoots? It is the questions that I'm confronting with the farmers. So we need to give a better knowledge to the farmers, how much of the percentage of the mature wood and how much of the percentage of fresh shoots to be allowed for the better the fruit set and the better the flowering. So another issue. And the flowering, of course, we are finding everywhere across the country, including from the Rajasthan to Karnataka, where the flowering is a really big issue. And we need to have a convincing data required to understand a soil factor, like edaphic factors, a physical, chemical, and biological factors are really contributing for the flowering, and in conjunction with the climatic and the physiological factors that really a scientist needs to relook the flowering studies for the precision flower regulation. This is most sought by the farmers. And very recently, most of the cases in the Karnataka, especially one who was ready to invest the money, as the always the question whenever we move across in the pomegranate area, they have the questions: can we grow pomegranate under the polyhouse conditions? If it is the conditions, the existing packages will work. If the standards of the polyhouse construction, what should be, and can we borrow the technologies of other crops like the Israel have the technologies for polyhouse conditions? Can we adopt directly, or the technologies for other the fruit crops the polyhouse crops can be adopted? The farmers are raising the questions, and the planting styles are the same. Can we plant in the soil, or can we make the planting in the boxes? These are the questions the farmers are asking. Definitely, it is the responsibility of the research fraternity to be answered. Can we grow pomegranate under the polyhouse conditions? Of course, I am not talking about the wilt disease much. Of course, the most of the stakeholders know the importance and what is the wilt disease for the pomegranate farmers. And almost 12% of the area in pomegranate in the Karnataka is becoming diminished out of the wilt disease. So now we need to, the farmers are asking the questions to the researchers. Do we have the diagnostics to foolproof to say that particular soil is free from the ceratosis, the wilt, the disease before planting? So really it is a big question to be answered. We need to have some assay or a protocol to answer to the farmers whether the soil is healthy to be planted with the pomegranate. Of course, in the bacterial blight, the nature of spread and the nature of, the dispersion of the spores are quite different. It's a soil-borne pathogen. There is, it is a very pertinent question the farmers are raising. We need to answer.
to foolproof to say that the particular the land is good for planting a pomegranate. And again, the question they're asking is, can we manipulate the soil factors to be, I mean, to restrict the pathogen, as we always, the many scientists we say, I mean, inform the farmers, like the water management, soil management, the agronomic practices really could be the factors to manage the wilt. So are there any the factors, the soil factors like a soil pH, soil sodium, the sodium concentration, calcium concentration, particular nutrient concentration could be, can a connecting points to manage the disease. And I'm not talking about much about the blight, because the bacterial blight is very, you know, is as known as the pomegranate in the country, I mean, especially in the Maharashtra and Karnataka. But the farmers' questions, like the management practices are really, really tough under the heavy rainfall situations, because the continuous rainfall there in any given geographical area, the sprays, the curative sprays are really challenging. They are not able to take the crop within our 10 to 15 days, the whole crop they are losing. So they are asking the questions, can we have the other options to increase the tolerance level by applications directly into the soil? Because the soil application is a bit easy under these conditions. So there is the package or the advisory and the answer these questions. I'm preparing my whole presentations by taking the feedback of the farmers, and this can be, this is the most viable, the important and relevant questions we need to answer, and we need to develop the package for the farmers. Are there any options or alternatives are making available to the farmers under the adverse conditions? And recently we are reporting the other disease like conial and especially in a throat, almost all the parts of the Karnataka, starting from the northern to southern Bagalkot to Gulbarga, Bagalkot, the districts, from the Mysore, where it's again the farmers sent the samples to Koniala. The Josna madam, of course, Josna madam response is too good, and most of the farmers from the Karnataka have a very due acknowledge to Josna madam for their the immediate answer. And as per the discussions, we could find the Koniala is maybe a threatening factor in the future. That's how it is the most challenging. And particularly this season, the fruit rot, the Colletotrichum, is really haunting the farmers much. And what is my, the farmer's question is, whether can we develop the quantitative data on relation to the fruit rot and plant nutrition? Of course, I've already tried to take the information from Dr. Ashish Maiti and discussed with the madam. And we need to have the data on the fruit rot and fruit, nutrition to answer the farmers. And again, nematodes are really becoming the problem in Karnataka, especially in the orchards more than 4 years. In the beginning, 1 or 2 years or up to third year, the nematodes are not really becoming a problem. And after third or fourth year, the nematode populations are going high. And again, the farmers' feedback, the new generation of the nematicides are not effective over continuous application. So it demands the new generation of molecules. So the generation, it's a bit tough. Hence, we need to work on the biological options much better than what you know, the situation like the Pacillomyces and other the factors. And there is the information particularly from Gulbarga and Raichur, where they are facing often a drought situation, the nematode population is going high, and we need to have the epidemiological data required to correlate how it is true or not, and to guide in the future for the farmers. And the entomological issues, it is a bit tough being a plant pathologist, but still I try to connect collect the information from the farmers. So where of course it is true, especially in the summer, the life cycle is becoming, thrips life cycle is becoming shortened, and their spray schedules are 3 to 4 days interval. So can we have any the mechanism to extend the life cycle of the thrips to manage the conditions? And recently the scale insects and the mites are reporting a little higher than the previous years. So this is the scale insects and mites are going high in Karnataka. So
So that is another point I need to highlight. And the most of the farmers, in case of the pomegranate, grape, where they're seeking the biological products for insects management. So we need to answer the farmers. There is a gap. There are no better biological products available for the insect management. Probably a scientist needs to work on this. And this is one condition, sir. Actually, in the Karnataka, over the 2 to 3 years, we are reporting. Earlier, the aerial browning only we reported in the summer seasons. But this is the farmer from the Bangalore area. Now, exactly now, and it's over a week ago, he reported the aerial browning. So if you could see, this is a very happy, the fruit setting. And the holding, the aerial browning is the major limiting factor to them. And when he make the marketing, they have accepted, readily accepted. When they are coming for the harvest, they're not accepting. And it's the most discouraging the factor to the farmers. These two farmers. And the lower panel, that the farmer is ready. And he is harvesting the pomegranate crop almost 2 months prior to the maturity, just to avoid the aerial browning. And he is opening. And I think today he sent one box to the madam for the analysis. And probably the madam needs to answer what is the real cause. And now we're also predicting one time isolations of the alternaria we isolated. But madam, I think the further analysis is required from NRCP, and NRCP need to answer because they are better equipped for making an experimentations. And I'm coming to the marketing. Of course, the marketing is the very big issues to be discussed here. And in the present situation, the color development is not so well. And another, the most discouraging the factor from the farmer point of view is, the farmers are using a very spurious chemicals for color development. They're including the silver nitrate for the color development, which is not really encouraging for the farmer and consumer at the point of view. So it is really getting silver nitrate. And their array of products are there in the market to use for making the better color. But scientists need to work on what are the safe products are there in pomegranate to make the color development in a healthy manner. And still very established market linkages are not available in the Karnataka, and still it is under the few persons, and it is there is a lots of difference between from the distant farmers when they are sending to the Bangalore, Hyderabad, they're not getting the fetching the good prices. So the market linkages are not really good. And the most of the farmers in Karnataka, their export orientation is too minimum. And yesterday we read more than 90% of the pomegranate fruits in the Karnataka are ready to export, but it is not the fact. And in our experience of the farmers and over the decade, the information we are gathering. So export orientation is required to the farmers. And from the cultivation practices to the packaging, we need to guide them and we need to train them. And it's also the residue-free production technology is the farmers are unaware, and also the label claim, the most of the farmers are do not aware, and it is responsibility of the extension team and outreach the team need to train the farmers. And we need to develop the very clear cultivation practices for achieving the market demand. And as I shared in the beginning, awareness among the consumers about the quality traits of the pomegranate is most, most important to make the pomegranate to be eaten for all the strata of the consumers. For example, still we eat lots of apple comes from northern India, almost 2,000-3,000 away from Karnataka, and it is also very popular. Still having the better nutraceutical property, pomegranate, the marketing is challenging. That's why the awareness for the consumers, for the pomegranate, creating the awareness is required. And
a supply chain from the production to the like consumption, established linkages we need to develop. And as a conclusion, we need to give the farmers an integrated crop management advisory. And being my, as a plant pathologist, I always give the information on the plant pathology, entomology, the person will give the knowledge in entomology. We need to converge the every information required to the farmers as a holistic the advisory. And still, it is not making available to the 80% of the farmers. We need to address where the convergence of the information as an integrated crop management need to be done as demanded by the most of the farmers. So with this information, I'd like to thank you all for making me part of this lecture and to share my information thoughts to all of you. So thank you so much, sir. Dhanyawad, Dr. Manjunath. Thank you, sir. एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए जिसमें आपने कर्नाटक की समस्याएं, ना कि कर्नाटक की, ये सारे ही अनार की प्रोडक्शन की समस्या है, उनको आपने एक यहाँ पर प्रेजेंट किया और बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हुए हैं इसके बाद, तो जिनके लिए सवाल को ढूंढना एक हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र की और बाकी जो रिसर्च ग्रुप्स इसमें अनार में काम कर रहे हैं. इसके साथ मैं जो अपने तीसरे वक्ता है डॉक्टर फाल्गुन मोर, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर मेहसाना में, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे और उसमें डॉक्टर फाल्गुन मोर बात करेंगे गुजरात में अनार की खेती और उसकी समस्याएं और वहां पर संभावनाएं क्या बनती है अनार की खेती की. तो मैं विनती करता हूँ सर, प्लीज आपका प्रेजेंटेशन शेयर करिए. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं एनआरसी पोमग्रेनेट को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ. ये जो 16वें साल में प्रवेश किया है एनआरसी पोमग्रेनेट सोलापुर ने, उस कार्यक्रम में अभी उपस्थित, ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें ज्योत्सना मैम, नीलेश गायकवाड़ सर, रमेश कुमार जी, मंजुनाथ सर और दूसरे वैज्ञानिक गण और किसान भाई, गुजरात में पोमग्रेनेट की क्या परिस्थिति है उसके लिए मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके क्या प्रॉब्लम्स है और क्या वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं उसके. गुजरात वैसे तो फोर्थ रैंक है एरिया अंडर पोमग्रेनेट में और 43,000 हेक्टर से ज़्यादा हेक्टर में इसकी कल्टीवेशन हो रही है और 6.71 लाख टन का प्रोडक्शन गुजरात से आ रहा है. उसमें लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, बनासकांठा, मोरबी एंड सुरेंद्रनगर और ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी क्लस्टर बेस पे पूरा एक्सपांशन और डेवलपमेंट हुआ है. कच्छ में देखा जाए तो पूरा जो 24% ऑफ द एंटायर स्टेट्स जियोग्राफिक एरिया है कच्छ, तो उसमें तो हर ब्लॉक में काफी तादाद में ये पोमग्रेनेट लगा हुआ है. और बनासकांठा में अगर बात करें तो हम थराद, वाव, लाखनी, धानेरा जैसे क्लस्टर में काफी डेवलपमेंट हुआ है. मोरबी में हलवद और मोरबी क्लस्टर में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है. सुरेंद्रनगर में धांगद्रा क्लस्टर में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और टोटल एरिया 43,000 है और 6.71 लाख टन उसका प्रोडक्शन है. गुजरात की प्रोडक्टिविटी की बात करें अगर तो पूरे देश में गुजरात 15 टन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी के साथ सेकंड रैंक पे है जो तमिलनाडु के बाद में है. अभी मंजुनाथ साहब भी हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, रमेश साहब भी बात कर रहे थे हेल्थ बेनिफिट्स की, तो यकीनन ये हेल्थ बेनिफिट की वजह से पिछले 10 सालों में उसका कल्टीवेशन बढ़ा है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ा है. तो वो विटामिन्स एंड मिनरल में रिच है, वेट लॉस करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर लो करता है, स्टमक डिसऑर्डर के लिए अक्सर है. पहले कहावत थी
एक अनार सौ बीमार, हर बीमारियों में अनार का उपयोग हुआ करता था, कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, डायबिटिक्स वगैरह सारी चीजों में ये काफी लाभदायी है, स्टमक सूद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अभी कोविड सिचुएशन में इम्यूनिटी बढ़ाने की हर जगह से बात हो रही है, तो अनार का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी लाभकारी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, मेमोरी के लिए, एनीमिया के लिए, एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए, हेयर लॉस रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए और कई सारी चीजों के लिए अनार का सेवन करना खूब लाभदायी है। इसके लिए काफी मेरा पूर्व दो वक्ताओं ने भी काफी बात की है, सॉइल एंड क्लाइमेट जो हमारा गुजरात का एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है, नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात एंड कच्छ रीजन और सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र रीजन, उसके लिए अनार कल्टीवेशन के लिए एकदम कंजेनियल विस्तार है और सभी प्रकार की सॉइल में यहाँ उसका कल्टीवेशन हो रहा है। लोमी और सैंडी लोम जो सॉइल है वो ज्यादा सूट करती है और ये सेमी एरिड का ही क्रॉप है तो काफी अच्छे से एरिड रीजन में आ रहा है। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में अगर गर्मी और सूखा वातावरण रहता है तो वो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए काफी फायदेमंद रहता है और ड्यूरिंग राइपनिंग सीजन माइल्ड टेम्परेचर अगर होता है तो फ्लेवर कलर डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है और जहाँ ज्यादा ठंड होती है, फ्रॉस्ट के भी इंसिडेंस होते हैं, वहाँ ये क्रॉप की कल्टीवेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगर वेराइटीज की बात करें तो गुजरात में वन वे भगवा जो यहाँ सिंदूरी भी बोलते हैं वो चल रहा है, वो फूल अरक्ता का सिलेक्शन है और फ्रूट साइज उसका अच्छा है, उस स्वीटनेस अच्छी है, एट्रेक्टिव कलर है, एरिल का भी बहुत बड़ा कलर है, जैसे आर्टिफिशियल कोई फ्रूट रखा हो ऐसा उसका आउटवर्ड अपीयरेंस है, वेरी एट्रेक्टिव सैफ्रन कलर्ड थी स्किन है और सूटेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट मार्केट है और फ्रूट ड्रॉप में रेजिस्टेंट ये वेराइटी है। दूसरी एक वेराइटी है मृदुला जो कि गणेश और गुले शाह रेड का क्रॉस है लेकिन उसकी काफी कम एरिया में उसकी कल्टीवेशन हो रही है। प्रोपेगेशन की अभी बात चल रही थी तो एयर लेयरिंग हमारे एसडीआई यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं ये लोग, 10,000 ppm इंडोलब्यूट्रिक एसिड यूज करके उसमें अच्छी सी रूटिंग भी आ रही और काफी अच्छे हेल्दी प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं लोग। और गुजरात में अभी ट्रेंड ज्यादा टिश्यू कल्चर प्लांट का है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और ट्रू टू टाइप होते हैं और फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस होते हैं, तो निमेटोड वगैरह प्रॉब्लम के लिए और बैक्टीरियल ब्लाइट जैसे प्रॉब्लम के लिए एक बेटर सॉल्यूशन है टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट का कल्टीवेशन। फील्ड प्रिपेरेशन में 1 meter by 1 meter by 1 meter का पीट यहाँ लोग कर रहे हैं और 4x3 और 3x3 meter पे कर रहे हैं। अगर फीट में बात करें तो 8x10 और 8x12 feet पे लोग कर रहे हैं। पीट में कार्बन डेजिंग और क्लोरपाइरीफॉस की ट्रीटमेंट करके फार्मर उसको प्लांटिंग कर रहे हैं। और मैन्यूर और फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो 20 kg पर पीट FYM वर्मी कंपोस्ट, 2 kg नीम केक, 3 kg ट्राइकोडर्मा PSP और एजेटोबैक्टर भी फार्मर्स यूज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। ये जो अनार की जो रिस्पॉन्सिव टू मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के लिए भी काफी रिस्पॉन्स देती है, तो फार्मर जो यहाँ उसका रिकमेंडेशन है और यूज कर रहे हैं मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का, तो इस प्रकार से है, फर्स्ट ईयर में 10 kg FYM, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फॉस्फरस एंड 125 ग्राम पोटेशियम, ऐसे हर साल वो बढ़ता जा रहा है उसका फर्टिलाइजर डोज। और फिफ्थ एंड अबव ईयर के लिए 50 kg FYM, 625 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम पोटास एंड 215 ग्राम फॉस्फरस का यूज करते हैं। NPK 3 स्प्लिट में जनवरी जून सितंबर में दे रहे हैं और 0.25% जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और 0.2% बोरिक एसिड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग जो है
स्प्रेइंग के माध्यम से किसान स्प्रे करते हैं। ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करें तो 1 or 2 or 3 स्टेम ट्रेनिंग यहाँ ज्यादा कंजेनियल है, क्योंकि स्टेम बोरर के इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेम रख रहे हैं फार्मर यहाँ। ड्राइड, डिजीज्ड, क्रिस क्रॉस ब्रांचेस अलग कर छाट के उसको निकाल रहे हैं, और 60 सेंटीमीटर जो बेस का पोर्शन है उसको क्लीन रख रहे हैं फार्मर्स यहाँ। ट्रेनिंग की अभी बात की तो मल्टीपल स्टेम ट्रेनिंग हो रहा है। मेन स्टेम जो पिंच कर देते हैं 1 मीटर की हाइट पे, और 4 से 5 वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांचेस को रखते हैं, और डिजायर्ड शेप लेने में उसको 2 से 3 साल का समय लगता है। प्रूनिंग की बात करें तो रिमूवल ऑफ सकर्स, जो वाटर स्प्राउट्स बोलते हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। डेड एंड डिजीज्ड ब्रांचेस दूर कर रहे हैं। डेवलपिंग साउंड फ्रेमवर्क, लिमिटेड प्रूनिंग ऑफ द बियरिंग ट्री, एनुअल प्रूनिंग ड्यूरिंग विंटर शुड बी कन्फाइंड टू शॉर्टनिंग ऑफ द प्रीवियस सीजन्स ग्रोथ, प्रूनिंग डिलेज बर्ड स्प्राउटिंग, फ्लावर अपीयरेंस एंड हार्वेस्टिंग, हाईएस्ट यील्ड फ्रॉम अनप्रूनड ट्रीज, प्रूनड ट्रीज गिव बेटर क्वालिटी, इंक्रीज फ्रूट साइज, जूस कंटेंट एंड हायर TSS, रिड्यूस सन स्कॉर्च्ड एंड इनिशियल सॉरी इंटरनल ब्रेकडाउन। ये कैनोपी मैनेजमेंट और ट्रेनिंग और प्रूनिंग के कुछ फोटोग्राफ्स है, और इसमें बाहर के समय में कौन से पीरियड में कितना वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर प्लांट है वो दिखाने का प्रयास किया है। तो जनवरी में 10 लीटर पर डे पर प्लांट, फरवरी में 18 लीटर, मार्च में 31, अप्रैल में 40 लीटर, मई में 44 लीटर, मृग बाहर के समय में जून में 30 लीटर, जुलाई में 22 लीटर, अगस्त में 20 लीटर, और हस्त बाहर के केस में सितंबर में 20 लीटर, अक्टूबर 19 लीटर, नवंबर में 17 लीटर और दिसंबर में 16 लीटर वाटर पर डे पर प्लांट को देने की यहाँ से रिकमेंडेशन भी, और फार्मर ज्यादातर इसको फॉलो भी करते हैं। बाहर रेगुलेशन की बात करें अगर तो 1 से 2 महीने का रेस्ट बहुत ही जरूरी है और इकोनॉमिक एड, और 1 साल में 1 बाहर ही लेने का यहाँ से फार्मर को बताया जा रहा है। और क्रॉप रेगुलेशन की बात करें तो 1 से 2 महीने पहले जो नॉर्मल सीजन फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होता है उसके पहले वाटरिंग स्टॉप करना होता है, और आफ्टर 1 to 2 मंथ अप्लाइड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर एंड गिव लाइट इरीगेशन, जो फार्मर हालांकि अच्छे से कर रहे हैं। 3 से 4 दिन के बाद हैवी इरीगेशन एट नॉर्मल इंटरवल फार्मर दे रहे हैं। ये जो कौन सी सीजन में कौन से बाहर लेनी चाहिए उसकी बात करी है, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बात की, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करूँगा। मल्चिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ कच्छ में काफी किसान ब्लैक सिल्वर मल्च जो 25 माइक्रोन का होता है वो यूज कर रहे हैं। आइडियल यील्ड पर जो प्लांट है वो 60 to 80 फ्रूट्स पर प्लांट ले रहे हैं, और जब फ्रूट मेटालिक साउंड करे और कलर चेंज ग्रीन टू येलो, रेड और पिंक हो तब उसका हार्वेस्टिंग भी हो रहा है। फ्रूट के जो स्पेसिफिकेशंस है वो जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना होता है उसके लिए सुपर जो साइज है वो 750 ग्राम एंड अबव, उसका एट्रेक्टिव रेड कलर होता है और उसकी स्किन पे कोई प्रकार के स्पॉट्स नहीं होते हैं। उस हिसाब से किंग, क्वीन, प्रिंस, 12A और 12B वेरियस जो ग्रेडिंग के साइजेस हैं वो इसमें दिखाने का प्रयत्न किया है। डिजीज की अगर बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो पत्तियों पे वाटर सॉक्ड लेजन से स्टार्ट होते हुए टैनियों से लेके फ्रूट तक भी इसका इंसिडेंस देखने को मिला है। अर्लियर जो घूटी कलम, एयर लेयर्ड कलम जो आते थे प्लांटिंग मटेरियल यूज हो रहा था गुजरात में, उससे काफी इंट्रोड्यूस हुआ गुजरात में, ये पहले नहीं हुआ करता था लेकिन इसका इंट्रोडक्शन एयर लेयरिंग वाले प्लांट्स से हुआ है गुजरात में। अभी ज्यादातर लोग टिश्यू कल्चर प्लांट यूज कर रहे हैं इसलिए इसमें ये दिक्कत ज्यादा नहीं आ रही,
लेकिन जो एयर लेयर रेज्ड प्लांटेशंस हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें अभी भी आ रही है इसमें, तो उसके लिए फार्मर को बताया जा रहा है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 ppm प्लस कार्बन डाइजिम 0.15% 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना होता है और फार्मर उसको फॉलो भी कर रहे हैं। उसके अलावा सर्कोप्सोरा लीफ स्पॉट बैक्टीरियल स्पॉट्स के प्रॉब्लम्स भी पाए गए हैं गुजरात में, फंगल स्पॉट्स भी पाए गए हैं दूसरे, तो फंगल स्पॉट्स के लिए कार्बन डाइजिम एट द रेट ऑफ 0.1%, मैंकोजेब एट द रेट ऑफ 0.25% एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 0.25% फार्मर को रिकमेंड किया गया और फार्मर उस हिसाब से कर भी रहे हैं। और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है फ्रूट क्रैकिंग का प्रॉब्लम, उसके लिए बोरॉन एट द रेट 2 ग्राम पर लीटर स्प्रे का यहाँ से रिकमेंडेशन भी है और ज़्यादातर फार्मर इसका फॉलो भी कर रहे हैं। और कई बार डिस्टर्ब सॉइल वाटर रिलेशन की वजह से फ्रूट क्रैकिंग आ रहा है और ज़्यादातर जो लोग मृग बाहर लेते हैं उनको ये क्रैकिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिला है, पर्टिकुलरली विंटर मंथ में जब जनवरी या दिसंबर का मंथ होता है तब। सन स्कॉर्चिंग भी ज़्यादा पाया गया है क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इसकी ज़्यादातर कल्टीवेशन हो रही, तो सन रेज का काफ़ी प्रॉब्लम है और जो साउथ वेस्ट सन फेसिंग जो फ्रूट्स रहते हैं उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और फार्मर्स क्योलिनाइन का स्प्रे कर रहे हैं और वो जो 15 दिन के इंटरवल पर इसका स्प्रे हो रहा है जिससे काफ़ी हद तक सन बर्निंग सन स्कॉर्चिंग में उसमें फ़ायदा मिल रहा है। और उसके अलावा विल्ट का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, तो उसके लिए कार्बन डाइजिम प्रोपेकोनाजोल ट्राइडिमोर वगैरह जो केमिकल्स है उसका रिकमेंडेशन किया जाता है और फार्मर उसको फॉलो भी करते हैं। पेस्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो एफिड वाइट फ्लाई और माइट्स ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इस एरिया में और उसके लिए डाइकोपोल 0.03% एंड वेटेबल सल्फर 0.2% स्प्रे की रिकमेंडेशन फार्मर को करते हैं और उस हिसाब से फार्मर फॉलो भी करते हैं। अनार बटरफ्लाई की बात करें तो जब 50% फ्रूट सेट होता है तब डेल्टा मैंथ्रिन 0.02% एंड रेन डिले होता है तब स्प्रे कार्बारिल 0.2% स्प्रेइंग की रिकमेंडेशन हम यहाँ से करते हैं। थ्रिप्स की बात करें तो 0.06% स्प्रे जो है मिथाइल ऑक्सीडीमेटोन का करना होता है थ्रिप्स के लिए। थ्रिप्स का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ही है इस एरिया में जिससे फ्रूट की जो मार्केटेबल और एक्सपोर्टेबल क्वालिटी काफ़ी हद तक डिटेरियरेट हो सकती है। और फ्रूट सकिंग मोथ का भी प्रॉब्लम है जो रेनी सीजन में ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है ये प्रॉब्लम, और ऑल ऑफ सडन फ्रूट ड्रॉपिंग और कंसिडरेबल इकोनॉमिक लॉस फार्मर को इससे हो रहा है। और निमेटोड का भी प्रॉब्लम अभी चालू हो गया है गुजरात में, जो रूट नोड निमेटोड और किडनी शेप निमेटोड ज़्यादातर पाए गए हैं और 2 से 3 साल के बाद ये रूट नोड निमेटोड की जो इन्फेस्टेशन है वो देखी गई है और इन्फेस्टेड जो प्लांट है विकास में काफ़ी नाटे रह जाते हैं और उनके लीव्स होते हैं येलो कलर के हो जाते हैं, मार्जिन जलने लगते हैं और प्लांट्स डाइज ग्रेजुअली, तो जब अपरूट करते हैं तो न्यूमरस नोड्स जो रूट पे है जैसे फोटोग्राफ में दिखाए गए वो पाए जाते हैं और न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक उसकी वजह से काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली प्लांट डाई हो जाता है और फार्मर को उससे काफ़ी कंसिडरेबल इकोनॉमिक लॉस भी होता है। और निमेटोड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो निमेटोड्स ज़्यादातर नर्सरी रेस्ट प्लांट से और फार्म इम्प्लीमेंट इरीगेशन वगैरह से ज़्यादा फैलता है और इसलिए फार्मर को हम एडवाइस करते हैं हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करें और प्रिफरेबली टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट का ज़्यादा यूज़ करें। और जब पीट फिल करने की बात हो तब वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर नीम केक 2 to 3 टन पर हेक्टर और 8 to 10 ग्राम फ्यूराडन 3G का रिकमेंडेशन हम करते हैं फार्मर को ताकि
ये निमेटोड से हमें निजात मिल सके और ट्राइकोडर्मा विरिडी और पेसिलियोमाइसिस का भी यूज 10 ग्राम इच पर फीट करने का फार्मर को हम हिदायत दे रहे हैं। और अदर जो इश्यूज है जिसकी हम बात करें तो रूट क्रैकिंग विंटर सीजन में हो रहा है, फार्मर्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कंसल्टेंट्स फॉर पोमग्रेनेट कल्टीवेशन एंड यूज सेवरल केमिकल्स विच आर नॉट रिकमेंडेड बाय एसएयूज एंड रिसर्च सेंटर्स। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि एक हेक्टर का जो खर्च है 1.5 से 2.5 लाख तक का हो सकता है और फार्मर को काफ़ी नुकसान भी होता है। और लैक ऑफ प्रोमोगेनेट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज की वजह से जो उसका बेटर मार्केट प्राइसेस भी नहीं मिल रहे हैं और फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस है वो काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए कई जगहों पे किसान उसको अप्रूट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है कि जैसे ग्रोथ हार्मोन कैसे यूज करना है वो फार्मर को पता नहीं है, वो जो कंसल्टेंट बोलता है वो जिब्रेलिन वो ऑक्सिन का स्प्रे करके अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो बढ़ा रहा है। और ये जो पूरा नेक्सस है फैला हुआ जो ज़्यादातर वो कहीं दूसरे स्टेट में सुपरवाइजर थे या लेबर थे वो यहाँ आके कंसल्टेंट बन के वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को काफ़ी उन्होंने बढ़ाया है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में काफ़ी अभी भी जो पॉसिबिलिटीज़ है 43,000 हेक्टर से ज़्यादा बढ़ा के 1 लाख हेक्टर तक की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन की व्यवस्था हो, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने जिससे रेगुलरली फार्मर्स को ये रिकमेंडेशंस और वो एडवाइजरी जारी हो, ऐसे प्रयत्न हो तो काफ़ी फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके गुजरात के परिप्रेक्ष्य में जो आपने बात कही वो सामने रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआरसीपी की तरफ से। अभी धन्यवाद डॉक्टर। ओके सर, इस प्रेजेंटेशन के बाद किसान भाइयों आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे वैज्ञानिक जो है यहाँ पर है उपस्थित सारे, तो वो लोग जवाब देंगे। तो आपके क्वेश्चन पूछने के लिए आप रेज हैंड करिए, उसके पहले हम क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन है एक या दो क्वेश्चन है उनको भी ले लेंगे। मैडम शायद आप इसका जवाब देना चाह रहे थे। हेलो हाँ मैडम, एक सवाल का जवाब आप देना चाहते थे शायद, वो स्क्विरल्स और स्क्विरल इन्फेस्टेशन। हाँ, इसका तो शायद मेरे ख्याल से डॉक्टर रमेश ने बताया भी है कि जो कवर करने का है या तो नेट से कवर करिए या तो फिर आपको जो सिंगल सिंगल फ्रूट है उसको कवर करना है, एक आपके जो बैग्स होते हैं जिसमें बटर पेपर बैग और पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स, ये आपको स्क्विरल वगैरह डैमेज से भी रोकेंगे, साथ में सन बर्न वगैरह जो प्रॉब्लम आता है आपका, स्कॉर्चिंग का प्रॉब्लम आता है वो भी आपका उससे रुकता है। तो इसका जो भी बर्ड वगैरह का डैमेज है इसके लिए आपको या तो हमने देखा था वहाँ राजस्थान हम लोग गए थे तो वहां पे कवर उन्होंने अगर इससे नहीं करना है तो नेट से भी कवर किया हुआ था, तो आप वो भी कर। मैडम और एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट में अगर वील्ड के बारे में आप कुछ बोल पाएंगे, ये विजय जी है उन्होंने क्वेश्चन पूछा था विल्ट प्रॉब्लम पर, शॉर्ट में अगर आप बता। विल्ट का आपको जब भी विल्ट का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो आपको कारण देखना है कि जो विल्ट पौधा मरा है तो मरने का कारण, अगर विल्ट मतलब सेराटोसिस्टिस एक मेजर कारण होता है जब एक के बाद एक पौधा आपका मर रहा है और जब नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज्यादा मरे हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस बताता है कि ज्यादातर सेराटोसिस्टिस विल्ट होता है, पर जब कभी कभी आपका एक आध पौधा ही इधर उधर मरता है तो कभी वो रीजन दूसरा भी हो सकता है। निमेटोड की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है, इसका बार हमारा भी डॉक्टर सोमनाथ है तीसरे दिन लेक्चर भी देंगे, तो निमेटोड का अगर प्रॉब्लम है
तो उसमें ज्यादातर काफी टाइम तक ऐसे लगता है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो, उस तरीके की स्टंटेड ग्रोथ और बाकी वो चीजें दिखती हैं, मरता नहीं है एकदम से। और साथ में कई बार अच्छे पौधे होते हैं उसमें फूल नहीं निकलते, और एक एक साल तक कुछ भी आप कर लो फूल नहीं निकल रहा, तो उसमें भी निमेटोड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपका सेराटोसिस्टिस विल्ट का प्रॉब्लम है, हमारी एक पूरी एडवाइजरी हमारे वेबसाइट में हिंदी पर और इंग्लिश में भी है, तो उसमें आपको जो मरे हुए पौधे हैं उनको सेफली निकालना है, उसकी मिट्टी आपके बाग में फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी द्वारा ही वो फैलेगा। तो क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारा पौधा मर गया तो किसान उसको निकाल के पूरे बाग में खींचता हुआ बाहर ले जाएगा, तो वो जब आप बाहर लेके जा रहे हो तो उसकी मिट्टी आप पूरे बाग में फैला रहे हो, जिससे बीमारी आपको 6-7-8 महीने के बाद ज्यादा पौधे मरे दिखते हैं। तो जब भी पौधा पूरा मर गया है या आधे से ज्यादा मर चुका है तो उसका इलाज कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी के ऊपर से स्टेम को कट कर दीजिए, और वो जो मरे हुए प्लांट की स्टेम है उसमें भी ये विल्ट का जाता है अंदर तक, तो वो भी आपको खेतों में नहीं रखना है। उसको लकड़ी आप ले जाके अगर आप चूल्हा वगैरह में जलाना चाहें तो जला सकते हैं, नहीं तो उसको जला दीजिए, अपने खेतों में मत रखिए। जो मरे हुए पौधे थे जो आपने कटिंग किया है, नीचे रूट सिस्टम है वहां पे आप फॉर्मल्डिहाइड का ड्रेंचिंग करना है 50 ml प्रति लीटर, पॉलीथीन से उसको मल्चिंग कर देना है, उसकी गैस बनती है और गैस से वो दूर दूर तक का सारे जो भी आपका रोग है उसको मार देता है। उसके बाद जो पौधे अच्छे हैं आपके, मतलब ये जो जहाँ फॉर्मल्डिहाइड डाला वो एक हफ्ता तक कवर करना है, पॉलीथीन निकालने के बाद फिर एक महीने के बाद नया पौधा लगाना है, उसको बीच बीच में मिट्टी हिला देंगे तो गैस सारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो ड्रेंचिंग करना है वो करना है अच्छे पौधों का, जो अड़ोस पड़ोस में आपके अच्छे पौधे थे मरे हुए पौधों के पास, या फिर जिसमें विल्ट अभी शुरू हुआ था, तो उन पौधों को आपको जो ड्रेंचिंग करना है उसके हमारे पास 2-3 सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन है कि आप पहला, सबसे पहला ड्रेंचिंग प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर, मतलब 10 लीटर में 20 ml डाल के उसका ड्रेंचिंग करिए। 10 लीटर सॉल्यूशन एक प्लांट में डालना है कम से कम, और उसको डालने का तरीका ये होता है कि पूरा उसका जहां तक आपका रूट सिस्टम होता है, दोपहर को 12 बजे जो धूप निकलती है उसका आप एक घेरा बना के वहां तक पानी भरना है आपको, तो वो नीचे तक जाएगा और आपको फिर 20-25 दिन के बाद या एक महीने के बाद जो बायो फॉर्मुलेशन है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कैडिला कंपनी का है, और वो काली सेना के नाम से मिलता है, उसका नाम है एस्परजिलस नाइजर AN27। आजकल AN27 की जगह एक और नंबर डाल दिया गया है, तो वो सिर्फ एस्परजिलस नाइजर सॉइल एप्लीकेशन वाला आपको 1 acre में 1 kilo लगता है, उसके साथ माइकोरिजा का 1 kilo का पर एकड़ लगता है। तो ये दोनों चीजें अगर आप डाल देते हो तो आपका ये कंट्रोल में आता है। ये दोनों चीजें आप शुरू से यूज कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। दूसरा, अगर ये नहीं करना है तो प्रोपिकोनाजोल की आप 3 बारी ड्रेंचिंग करोगे 20-20 दिन के अंतर पर, तो ये दोनों आपको काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसकी जगह अगर आपको और एक सॉल्यूशन है, अगर ये नहीं है तो उसमें आपका है एलीट और टेबिकोनाजोल, अल्टरनेट करके 2 ड्रेंचिंग आपके एलीट के हैं, 2 टेबिकोनाजोल के हैं, तो एक दिन एलीट डालना है, 15 दिन के बाद टेबिकोनाजोल, फिर एलीट, फिर टेबिकोनाजोल। ये पूरा डिटेल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें कि इसका पूरा का पूरा लक्षण का फोटो भी दिया हुआ है और क्या है प्रॉब्लम, निमेटेड है तो क्या करना है, ये सेराटोसिस्टिस है तो क्या करना है, शॉर्ट होल बोरर है तो क्या करना है, तो वो सारे डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं, और नहीं तो आप हमें भी मैसेज भेजेंगे, हम उसके ऊपर आपको भेज देंगे। धन्यवाद। हेलो मैडम, और एक सवाल है आपके लिए, हाउ टू कंट्रोल फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस आपके मतलब कि जो स्पॉट्स वगैरह पे आते हैं, तो फंगल स्पॉट्स वगैरह के लिए हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल, आपको हर चीज का शेड्यूल हमारे वेबसाइट पे डाला है। इसके लिए ये है कि हम लोग फूल निकलने से लेके फ्लावर फ्रूट सेटिंग या 100 ग्राम का फल होता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते कि फूलों को नुकसान पहुंचेगा, स्प्रे नहीं लेते, पर हमारा जो रिसर्च है उसमें हमने देखा है फूल निकलने से लेके फलों की सेटिंग जब तक कि 100 ग्राम के फ्रूट्स हैं, उसमें अगर आप 2 या 3 स्प्रे 15-15 दिन पे लेते हैं फंजीसाइड का, जैसे मैंडी प्रोपामिड एक बहुत अच्छा केमिकल है,
जिसके आप दो या तीन स्प्रेज ले लेंगे अगर 1 ml प्रति लीटर, तो आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत कम या ना के बराबर ही आते हैं। इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल है, फिर आपका ये है कॉपर है, कॉपर में भी आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, बोडो मिक्सचर है, हर महीने में कम से कम एक कोई भी कॉपर का स्प्रे आप जरूर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि जब बीमारी आएगी तब लोगे आपको, क्योंकि अनार में ऐसा है बारिश आ गई तो बीमारियां फटाफट आती हैं, तो आपको प्रिवेंटिव स्प्रेज पे ध्यान देना है। और उसमें पूरा शेड्यूल भी हमारा है, उसमें 10 या 11 फंगीसाइड्स हैं जो कि हमने यूरोप में जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसके हिसाब से कितने दिन पहले कौन सा केमिकल बंद करना है उसका है लिस्ट। कोई भी केमिकल 2 या 3 बारी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर को आप हर महीने में 1 बारी कर सकते हैं। सल्फर ऐसा केमिकल है जो आप लास्ट तक भी कर सकते हैं इस्तेमाल, तो बदल बदल के लेना है, एक ही केमिकल को बार बार स्प्रे नहीं करना है। जिसमें आपका कैब्रीटॉप का भी एक अच्छा रिजल्ट है, आपका प्रोपिकोनाजोल बताया, टेबिकोनाजोल है, मेनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, तो ये बदल बदल के आप स्प्रेज लेंगे तो आपको फंगल प्रॉब्लम्स का कम आएगा। दूसरा क्या है, रेस्ट पीरियड में आप ध्यान रखिए, रेस्ट पीरियड में काफी लोग कुछ भी नहीं करते पर कम से कम बोडो मिक्सचर का 1% का 10 दिन में 1 बारी स्प्रे लीजिए। अगर आपका रेस्ट पीरियड बारिश के दिनों में पड़ रहा है तो 10 दिन में बोडो मिक्सचर का 1% का 1% का स्प्रे लेना है। बोडो मिक्सचर आपको खुद बनाना है, मार्केट का बना बनाया नहीं लेना है, और जिस दिन बनाना है उसी दिन स्प्रे करेंगे। तो जब आप रेस्ट पीरियड में सब कुछ स्प्रे करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स कम आएंगे। दूसरा, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, जो न्यूट्रिशन जिस स्टेज में चाहिए अगर आप दे रहे हैं, पौधा स्वस्थ है, ऑर्गेनिक कार्बन आपका अच्छा है, उसका ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है तो काफी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होते हैं, और जब न्यूट्रिशन ठीक होता है तो बीमारियां भी कम आती हैं। तो सॉइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सॉइल एनालिसिस करा के आप उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करिए। और जो स्प्रेज प्रिवेंटिव है वो कम से कम आप मान के चलिए कि हम लोगों को बारिश के दिनों में 7 दिन में 1 बारी स्प्रे करना है, उसके बाद अक्टूबर सितंबर का महीना आ गया जब बारिशें कम हो जाती हैं तो 10 दिन में 1 बारी स्प्रे लेना है, और जब मार्च अप्रैल मई का महीना होता है तब उस टाइम में आप 15 दिन में 1 बारी स्प्रे लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कैन वी कल्टीवेट पोमग्रेन इन क्ले सॉइल सक्सेसफुली? कौन सा क्ले सॉइल्स? हैवी सॉइल्स, क्ले सॉइल। हां, दैट्स हैवी, दैट्स। डॉक्टर मैथी हैं क्या? डॉक्टर मैथी, यस। हां डॉक्टर मैथी, यस यस। हां, आप ट्राई करिए जरा, आप सवाल सुनिए सर, मैथी साहब। अगर आप सवाल नहीं सुने हैं तो सवाल था कि ये कैन वी कल्टीवेट पोमग्रेन इन क्ले सॉइल सक्सेसफुली, क्ले सॉइल्स कहना है उनको, हेवी सॉइल्स। हां, क्ले सॉइल में आप पोमग्रेन कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो स्ट्रेस पीरियड है, जो आपको स्ट्रेस देना है, उसमें कम से कम 2 महीने तक आपको रेनलेस ड्रे होना चाहिए, मतलब उसी हिसाब से आपको बाहर लेना है। और दूसरा है आपको थोड़ा सा बांड ये बना के, रीच बना के प्लांटिंग करना है, मतलब ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा बना के, मतलब जो रीच सिस्टम में प्लांटिंग है उसके ऊपर प्लांटिंग करेंगे तभी आप उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें काफी दिक्कत भी आता है, जब बारिश बारिश आपका तो हाई कंट्रोल में नहीं रहते, जब बारिश आ जाते हैं फिर उसको स्ट्रेस देना मुश्किल होता है और फ्लावरिंग प्रॉब्लम आता है। धन्यवाद डॉक्टर सर। वैसे तो मैं भी बोलना चाहूंगी इसमें कि क्ले सॉइल्स हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैथी साहब ने भी बताया इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं शुरू में, फ्लावरिंग वगैरह अच्छा 1-2-3 साल मिलता है, उसके बाद बहुत सारे फार्मर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो खासकर फ्लावरिंग की और डिजीजेस की भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है क्योंकि मॉइस्चर इसमें बहुत देर तक रिटेन रहता है। और पोमग्रेनेट जो है ऐसे चीज, मतलब कम पानी के लिए क्रॉप है, तो जब पानी ज्यादा उसकी रूट्स पे रहता है तो रूट सिस्टम पे इफेक्ट होता है, वो रॉटिंग या दूसरी बीमारियां भी उसमें आती है। तो ब्लैक सॉइल हमें अवॉइड करना चाहिए, और जैसा उन्होंने बताया है रेज्ड बेड पे प्लांटिंग होना चाहिए, नीचे कम से कम आपका 1 फुट डेप्थ होना चाहिए, ऊपर 1.5 फुट हाई होना चाहिए, और रेज्ड बेड का प्लांटिंग अगर आप करेंगे और साथ में उसमें थोड़ा सैंड मिला सकते हैं अगर, तो सैंड मिलाइए और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाइए, पर जहां तक हो सके ब्लैक सॉइल को आप अवॉइड करिए।
धन्यवाद मैडम। किसान भाइयों से अभी गुजारिश है कि अगर किसी को सवाल है, आइदर वो क्वेश्चन आंसर इसमें लिखे या अपने हैंड्स रेज करें। अभी हमें मैडम कोई सवाल दिख नहीं रहे हैं, तो मैं इसी के साथ आपके परमिशन के साथ धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर सोमनाथ पोखरे जी को गुजारिश करता हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। डॉक्टर नीलेश, मैं पहले अपनी डायरेक्टर मैडम जो ज्योत्सना शर्मा मैडम है, निदेशक, कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय अनार संशोधन केंद्र सोलापुर से, मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी करने देने के लिए, क्योंकि मैं अभी जस्ट 15-20 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, सिस्टम से नया हूँ मैं। और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो तीन वक्ता हैं, डॉक्टर रमेश कुमार वैज्ञानिक है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से, फिर डॉक्टर मंजुनाथा जी है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बागलकोट से, कर्नाटक से, और हमारे तीसरे वक्ता जो थे डॉक्टर फाल्गुन मूड जो है जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक हॉर्टिकल्चर बागवानी के महसाना गुजरात के। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में वक्तव्य में अपने अपने राज्य के जो अनार का प्रॉब्लम्स है, जो संभावनाएं हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में विस्तृत से हमें बताया, अवगत कराया, उसके लिए मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारे जो सारे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में पार्टिसिपेट किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरे जो कलीग्स हैं सहयोगी है अनार संशोधन केंद्र से उनको भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, और बचे हुए पैनलिस्ट और किसान जो संवाद से जो लोग जुड़े हैं उनको भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कल का प्रोग्राम भी दोपहर को 3 बजे शुरू होगा हो जाएगा, तो जो सब किसान भाई है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने क्वेश्चंस है वो एक्सपर्ट से पूछें ताकि उनका समाधान हो ठीक से। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अपना प्रोग्राम खत्म ही करने वाले हैं लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस इसमें देख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर डीटी मेश्राम सर आप है अवेलेबल? कैन यू लिसन टू मी? यस यस मेश्राम साहब, एक सवाल है आपके लिए, हाउ मच वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर एकड़ इन विंटर समर एंड रेनी सीजन, आइदर एकड़ या पर प्लांट भी बता पाए तो चल जाएगा मेरे ख्याल से। शुभम जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। एक एकड़ है, अगर एक एकड़ यानी 4.5x3 मीटर या 15x10 फीट पे आपने पौधा लगाया तो करीब करीब 300 पौधा एक एकड़ के पीछे होता है। तो एक एकड़ में विंटर सीजन में, समर सीजन में या रेनी सीजन में, यानी आंबे हस्ते या मिर्ग बार अंदर में कितना कितना पानी होता है एक एकड़ में 300 पौधे को, ये बताना है। लेकिन आपका पौधे का एज कौन सा है, आपका पौधे का एज अगर तीसरे साल से प्रोडक्शन लेना चालू किया तो एक सीजन का मैं समझा के बताता हूँ। अगर तीसरे साल का पौधे का प्रोडक्शन लेना चालू किया तो आपको 4 स्टेज में उसको इरिगेशन देना है, पानी देना है। जब आप 4 स्टेज में अगर पानी देते हैं तो पत्ता गिरने का जो समय है, पत्ता आने का जो समय है, उस समय में आपको कम से कम तीसरे साल के पौधे को 5 से 10 लीटर पर डे पर ट्री देना है, 5 से 10 लीटर पर डे पर ट्री देना है। जब आपका पौधा फ्लावर से लेके बड फॉर्मेशन से लेके फ्लावर से लेके नींबू का साइज जब हो जाता है उस समय में आपको 10 से 20 लीटर पर डे पर ट्री देना है, पर डे पर ट्री देना है। जब आपका पौधा मैच्योरिटी स्टेज में जाता है उस समय में आप कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 लीटर पर डे पर ट्री दिया तो भी चलता है। और जब हार्वेस्टिंग का पीरियड आता है, जब फल आप निकालते हैं उस समय में आप उस पौधे को 30 लीटर से पानी 30 लीटर से लेके आप 15 लीटर तक ला सकते हैं। उस समय में पत्ता बहुत कम होता है, फल आप तोड़ते हैं, इसलिए विंटर सीजन में कम से कम 5 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 30 लीटर इसके बीच में अलग अलग स्टेज में अलग अलग पानी की मात्रा दिए तो चलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करते समय आपको उस क्षेत्र का टेम्परेचर कितना है, ये ऑपरेशन कितना है यानी बाष्पीभवन कितना है, ये आपको देखना बहुत बहुत जरूरी है। अभी वैसा ही आपका
चौथा साल का पौधा गया तो चौथे साल के पौधे के अंदर में आपका क्या होता है, कैनोपी बड़ा होता है, नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ लीफ ज्यादा होते हैं, इसके वजह से क्या होता है पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा लगती है, तो उस सीजन में उस चौथे साल के पौधे को ज्यादा पानी की मात्रा देना होता है। वैसे ही पांचवें साल के पौधे को भी उससे भी थोड़ी ज्यादा देना होता है, लेकिन पानी की मात्रा जब भी आप देंगे तब आप ये जो अवस्था है पौधे के उस अवस्था के हिसाब से अगर पानी की मात्रा अगर दिए तो आपका पानी का व्यवस्थापन बहुत अच्छा अच्छा होता है। वैसा ही आप समर सीजन के लिए और रेनी सीजन के लिए कर सकते हैं। रेनी सीजन में अगर 10 mm के ऊपर अगर बारिश आ गया तो उसको क्या कहा जाता है, इफेक्टिव रेनफॉल कहा जाता है। उस समय में आपको पानी देने की जरूरत नहीं रहती है। उस समय में पानी अगर 10 mm अबव 10 mm के ऊपर रेनफॉल है तो पानी नहीं देना चाहिए। तो उसी प्रकार से रेनी सीजन और समर सीजन के लिए आप पानी की मात्रा उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन समर सीजन में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होता है। उस समय में सबसे ज़्यादा ये ऑपरेशन और उस क्षेत्र का क्या टेम्परेचर वगैरह सबसे ज़्यादा होता है, इसके वजह से पानी की मात्रा भी उस समय में ज़्यादा होती है। धन्यवाद शुभम जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेश्राम आपके विस्तृत जानकारी के लिए। मैडम उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से है, थोड़ा सा पॉलिसी रिलेटेड इशू है, गिरिराज जी सवाल किए हैं ये। गुजरात में ये बताया जा रहा है कि अशिक्षित लोग कंसल्टेंसी ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके कारण किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसमें सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिससे सिर्फ डिग्रीधारी लोग ही कंसल्टेंसी करें। तो इस तरह का सवाल है, कुछ आप बताना चाहेंगे? गिरिराज जी, ये बात जो आप बता रहे हैं ये मैं शायद जब से अपना ये संस्थान खुला है और जब से मुझे भी ये अंदाज है, क्योंकि काफी बारी हम लोगों को भी फोन आते हैं किसानों के कि हमें ऐसे ऐसे कंसल्टेंट बता रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं होता है, काफी ज्यादा स्प्रेज बता दिए जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें बता दी जाती है जिनकी आवश्यकता नहीं है और फार्मर को नुकसान पहुंचता है। तो ये मुद्दा हम लोग ने भी कई बारी लिख के भेजा है, मिनिस्ट्रीज वगैरह में भी सारी जगह लिख के भेजा है, पर शायद अभी तक उसका कोई हल निकला नहीं है। और क्योंकि ये हमारे दायरे में नहीं आता है तो हम इस पे कुछ एक्शन ले नहीं सकते हैं। इसके लिए किसानों को जागरूक होने की आवश्यकता है। काफी सारे किसानों को ये पता है कि हम लोग जो हमारी संस्थान है और हर एक जगह पे यूनिवर्सिटी जो भी होगी वो भी काम करती आवश्यक होगी। तो यदि आप लोग डायरेक्टली हम लोगों से कंसल्ट करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट फोन कॉल हर एक चीज का हमारे साइंटिस्ट जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग बिजी होंगे तो बाद में भी जवाब देते हैं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा जागरूक होना है कि आपको लग रहा है जिससे आप कंसल्टेंसी ले रहे हो वो आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आप निश्चित होके आप हम लोगों से बात करिए, हम लोग उसका हल निकाल के आपको हमेशा देते हैं। अभी हम लोग थोड़े दिनों में, अभी हमारा एक मोबाइल ऐप है जो 6 भाषाओं में है, काफी सारी जानकारी आपको उस मोबाइल ऐप में मिलेगी जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, ये सारी भाषाओं में वो है, तो आप लोग उसको कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे इंटरैक्टिव, क्योंकि गुजरात से ही मुझे कुछ फोन आए थे कि आप लोग इंटरैक्टिव मोड का कोई एप्लीकेशन शुरू करिए जिसमें कि हमारे किसान जो डायरेक्टली जुड़ सके अपने प्रश्न उत्तर लेके, उसका भी हम लोग काम हमने शुरू किया है और उम्मीद है कि 2-3 महीने के बाद आपको वो भी उपलब्ध होगा। तो अभी के लिए तो आपको ही जागरूक होने की आवश्यकता है और जब भी आवश्यकता पड़े तो आप लोग हम लोगों से फोन पे, मोबाइल डायरेक्ट बात करिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, ईमेल पे भी आप भेजेंगे तो हम लोग जवाब देते हैं। धन्यवाद। मैडम एक आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, वही शुभम जी का ही, अमेरिका से। फ्रूट स्वीटनेस अफेक्टेड बाय अफेक्टेड व्हेन रेन कम्स, सो इन दैट सिचुएशन हाउ कैन वी मैनेज द फ्रूट स्वीटनेस? आई थिंक डॉक्टर दिनेश बाबू, डॉक्टर दिनेश बाबू सर आप क्या सुन पा रहे हैं, सवाल समझे हैं सर आप? नीलेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, शुभम जी ने हैंड भी रेज किया है तो अगर तो वो खुद भी बात कर सकते हैं। हाँ, उनका कुछ और प्रश्न भी हो। ओके, मैं जस्ट मिनट विल अलाउ शुभम जी। हां जी, उनको बस माइक का बटन क्लिक करके शुभम जी, हाँ आप अपना जो माइक का बटन है उसको ये करिए, क्लिक करिए
रेड कलर माइक का बटन जो है उस पर क्लिक करिए और आप सवाल पूछ सकते हो। आप अपना और भी कुछ बातें पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हो? हाँ यस सर, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जितनी फ्रूट क्रॉप्स रहती हैं सर, चाहे वो गुआवा हो चाहे पोमोग्रेनेट हो सर। हेलो, हाँ हाँ पूछिए। तो सर उसमें से मेन इशू ये आता है कि जो मान लीजिए सर हार्वेस्टिंग टाइम रहता है सर उस टाइम पे, अगर उसमें उस टाइम पानी गिर जाता है सर, इरिगेशन हैवी इरिगेशन हो जाता है या पे नेचुरली बारिश हो जाती है सर, हमारी ना स्वीटनेस खत्म हो जाती है फ्रूट की, मतलब फीका हो जाता है। डॉक्टर दिनेश बाबू आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? हेलो डॉक्टर, हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ सर, ये देखिए जब हम लोग हार्वेस्ट करना चाहता है उसी टाइम पर आफ्टर अटेनिंग दैट मैच्योरिटी राइपनिंग फेज में आपका बरसात हो जाता तो ऑटोमेटिकली क्या होगा दैट शुगर एसिड रेशियो उसमें फर्क आ जाएंगे एंड ड्यू टू एक्सेस वाटर क्या हो जाएगा ब्रिक्स एसिड रेशियो, तो ये ब्रिक्स एसिड रेशियो भी आपको कम हो जाएगा। सो फल मैच्योरिटी होने के समय पर उसको हम लोग निकालने के पहले कुछ कुछ मैच्योरिटी इंडेक्सेस है ये अनार में, सो उसको हम लोग 75-80% फ्रूट कलर यूनिफॉर्म डेवलप हुआ तो हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वेराइटी का हिसाब से हर वेराइटी को फ्रॉम द डेट ऑफ एंथेसिस, एंथेसिस मतलब क्या है, जैसे आप रेस्ट स्ट्रेस दे के डिफोलिएशन करवा के एक्टिव ग्रोथ फेज में क्रॉप रेगुलेट करवाएंगे, फिर आपको जब फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन हो जाएगा देन फ्लावर बर्ड ओपन हो जाएगा, वो डेट को हम लोग कहते हैं डेज आफ्टर एंथेसिस, दैट इज जीरो डे। वो जीरो डे से पकड़ के जितना दिन में हार्वेस्टिंग को तैयार हो जाता है ऐसा वेराइटी वाइज मेच्योरिटी इंडेक्सेस ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है। कमर्शियल वेराइटीज के लिए हम लोग काम करवाया है और उतना दिन होने के बाद आपका फल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, उसका कुछ एक हफ्ता 10 दिन का अंदर आपका बरसात पड़ जाएगा तो ये ब्रिक्स आपको कम हो जाएगा, दैट इज टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कंटेंट। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको बरसात आने का समय के हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज को आप प्लान करेंगे तो यू कैन अवॉइड, सो बिफोर ऑनसेट ऑफ दैट मानसून आप हार्वेस्ट कर सकता है। सेकंड चीज, अगर आप अनप्रिडिक्ट कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, you should go for high TSS varieties. राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर से हम लोग सोलापुर लाल ऐसे एक वैरायटी रिलीज करवाया है, बागवास से कंपेयर करने से इसको 1.5-2 डिग्री ब्रिक्स कंटेंट ज्यादा है, सो ऐसे वैरायटी आप सेलेक्ट कर पाएंगे तो आपको ड्यू टू अनटाइमली रेन बरसा हार्वेस्टिंग का टाइम पर बरसात होगा तो भी 17.5-17.6 डिग्री का ब्रिक्स कम होगा तो भी 16-16.5 आप मेंटेन कर पाएंगे, तो ऐसे भी आप वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकता है, ये दोनों चीज आप ट्राई कर सकता है। तो बाकी क्या है, ये तो कंटिजेंसी फैक्टर है, बरसात कब होगा क्या होगा, फ्लावरिंग टाइम पर भी बरसात आ सकता है तो आपका पोलन ग्रेन पूरा वॉश आउट हो जाएगा, देन फ्लावरिंग फ्रूट सेट में दिक्कत आ जाएगा, यील्ड भी कम हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बलिंग ऑफ मानसून, क्योंकि कंप्लीटली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम लोग कृषि नहीं कर सकता है, सो इट्स ऑल सब्जेक्ट टू नेचुरल वेदर वैगरीज, तो इसका कंट्रोल अपना पास में नहीं है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसका बारे में हम लोग कुछ ना कुछ मीन्स को ट्राई करने पड़ेगा। धन्यवाद सर। शुभम जी और भी सवाल है आपके, जो टाइप किया आपने वो पूछिए आप। एक्चुअली सर जैसे कि हर एक क्रॉप का एक रूट जोन होता है सर, एक सर डिजाइन रूट जोन रहता है सर, कॉन्सेप्ट है सर। हेलो, हाँ बात करिए आप, करिए। हाँ सर, एक डिजाइन रूट जोन कॉन्सेप्ट है सर, ये प्रोमोग्रेनेट के लिए किस टाइप का डिजाइन रूट जोन कॉन्सेप्ट हमारे लिए आइडियल रहेगा, क्योंकि किस टाइप का रूट जोन हमारी क्रॉप के लिए सर बेटर रहेगा, और उसके लिए हमें किस टाइम पे ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए हमारे जो भी न्यूली प्लांट्स हैं, जिससे कि हमारा रूट जोन बहुत अच्छा डेवलप हो जाए।
डॉक्टर बाबू या डॉक्टर आशीष मेहती शायद, ट्रांसप्लांटिंग का पीरियड तो आप बता दीजिए सर। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ ये देखिए आपको आप प्लांटिंग करना तो फर्स्ट आप डिसीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को चूज करने पड़ेगा। तो नॉर्मली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करेंगे गुटी एयर लेयर्स, फिर टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट्स भी यूज करवा रहे और हार्डवुड कटिंग्स भी हम लोग यूज करके तो पौधा जो पौधा बनाया आप नर्सरी में मेंटेन करवाए थे मेन फील्ड में प्लांटिंग कर सकता है। प्लांटिंग का मेथड आप आपको अगर है तो एक तो पिट सिस्टम है, दूसरा ट्रेंच सिस्टम में आप प्लांट कर सकते हैं एंड थोड़ी समय पहले डॉक्टर आशीष मैती सर जैसे बताया यू कैन ऑल्सो गो फॉर रेज्ड बेड मेथड ऑफ प्लांटिंग, ब्रॉड बेड आप बना के स्पेशली क्लेई टाइप ऑफ साइल और हेवी साइल में हम लोग वो यूज कर सकता है। प्लांटिंग का टाइम देखेंगे तो नॉर्मली आपको जून जुलाई में जस्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मानसून जून जुलाई से लेके आप इवन अप टू जनवरी फरवरी तक आप प्लांटिंग कर सकता है। प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई जब मिला है देन उसके बाद 1 to 2 months प्रोपेलाटिक स्प्रेस वगैरह अच्छा से देके आप नर्सरी में मेंटेन करना है एंड साइमल्टेनियसली क्या होना है यू हैव टू प्रिपेयर द दिस पिट और रेज्ड बेड फॉर प्लांटिंग। तो उसमें सोलराइजेशन ऐसे भी एक प्रैक्टिस है आप उसको सूर्य किरण को डायरेक्टली आपको गड्ढा में नहीं तो वो बेड में गिरने देते तो क्या हुआ जगह उसका अंदर जो कुछ भी जर्म्स है और वीड सीड्स है ये सारा आपको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद आप प्लांट कर पाएगा तो उसमें आपको रोग कीड कम हो जाएगा। प्रोपेलाटिक स्प्रे आप नर्सरी में देना गए 1 से 1.5 महीना उसको रख के मेंटेन करना पड़ेगा जितना चीज आप ध्यान देना है। और कुछ भी आपका चीज था रिगार्डिंग दिस रूट आर्किटेक्चर उसके बारे में भी एक था। रूट आर्किटेक्चर क्या है, पोमग्रेनेट एक डाइकॉटिलेडोनस प्लांट है तो इसमें क्या है सिस्टम ऑफ रूट आप देखेंगे तो इट्स अ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम नॉर्मली बड़ा बड़ा जाड़ को होते हैं ट्री क्रॉप में होते हैं लेकिन इट्स इंटरमीडिएट बिटवीन ए ट्री क्रॉप एंड ए स्मॉल हर्ब तो इट्स अ श्रब बेसिकली ये श्रब है एंड डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट इसको पेरेनियल सिस्टम में हम लोग सिंगल स्टेम में ग्रो करेंगे तो जैसे मोस्ट ऑफ द विदेश कंट्रीज में ट्रीज का तरीके से हम लोग उसको ट्रेन करवा सकता है। एंड तो इन जनरल क्रॉप में क्या होता है there is a ratio that is called root shoot ratio. So root shoot ratio जैसे आपका कनोपी बढ़ते जाएगा उसका हिसाब से ये रूट जोन भी बढ़ता है लेकिन ये अनार में क्या है इट शैलो रूटेड अनार पोमग्रेनेट इज बेसिकली शैलो रूटेड क्रॉप और इसको फोरेजिंग डेप्थ आप देखेंगे तो समथिंग अराउंड 1.5 to 2.5 meters तो ये तो मोस्ट ऑफ द साइल्स में होते थे। महाराष्ट्र स्टेट में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द साइल्स आर शैलो रूटेड साइल्स एंड मार्जिनल साइल्स कम्युनिटी लैंड्स इसमें भी अनार एक आइडियल क्रॉप है। तो इसलिए आप देखिए अनार अगर अपना भारत देश में मोर देन 2.6 लाख हेक्टेयर में हम हर साल कल्टिवेट कर पा रहे मोर देन 30 लाख टन मिल रहा तो भी और इसमें मेजॉरिटी समथिंग अराउंड 70% सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से मिल रहा है यही एक कारण है और इट्स हाईली आइडियल फॉर शैलो रूटेड साइल। तो इसलिए हम लोग जस्ट शैलो बोलने से भी अगर वेल ड्रेन लोमी साइल है तो उसमें बहुत बढ़िया अनार का कल्टीवेशन कर सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन और है सर मेरा, सर जो प्रूनिंग को लेकर है सर इसमें प्रूनिंग में क्या कंफ्यूजन होती है कि जो अगर हेलो हेलो सर बैल बज रहा है किसी का कॉल हेलो हेलो सर जो प्रूनिंग में जो नया बर्ड आता है या फिर नई फ्रूट फ्रूटिंग आती है फ्लावर्स आता है वो न्यू वर्ल्ड पे आता है कि ओल्ड वर्ल्ड पे आता है। तो ये देखिए कुछ भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ना ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग दीस टू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दीस आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अगर आपने ढंग से ये प्रूनिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे आपको अच्छा से फसल नहीं ले सकता है। ट्रेनिंग इज बेसिकली मेंट फॉर डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क राइट। पौधा का कौन सा मेथड में हम लोग ट्रेनिंग करना चाहता है
उसके लिए ये ट्रेनिंग यूजुअली हम लोग शुरुआत में करता है। अब पौधा जिस साल लगा देंगे तब से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर अर्ली पीरियड यूजुअली बिफोर गोइंग फॉर क्रॉप रेगुलेशन ये ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। अनार में अब सिंगल स्टेम और मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो कर सकता है और इसमें भी ओपन सेंटर सेंट्रल लीडर मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर ऐसा भी ट्रेनिंग होता है। अनार में आप सिंगल स्टेम ना मल्टीपल स्टेम चूज करके ओपन सेंटर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। सूर्य किरण पौधा का सेंटर में अच्छा से गिरना है तब आपका क्या हो जाएगा फ्लावर बड डिफरेंशिएशन टाइम पर हो जाएगा और क्रॉप प्रोडक्शन आपका सक्सेसफुल होगा है। और ये ट्रेनिंग का साथ साथ प्रूनिंग में क्या है कोई बोलता है हेवी प्रूनिंग करिए कोई बोलता है वो अब लाइट प्रूनिंग करिए। इन जनरल क्रॉप रेगुलेशन में आप जितना प्रेस्क्राइब्ड रेस्ट से 3 महीना का देना है स्ट्रेस कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना का स्ट्रेस रिक्वायरमेंट होना है। जब पौधा में ऑब्सेशन शुरू हो जाएगा उसी टाइम पर हम लोग इसको क्रॉप रेगुलेशन के लिए आइदर बाई थ्रू नेचुरल मीन्स और आपका सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स यत्र वगैरह स्प्रे करके भी आप पत्ती को गिरने देना है। फिर आपको ये बेसिकली क्या है डेसिडियस फ्रूट का इसको ओवर वेंटरिंग जरूरी है। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी फेस होना भी बहुत जरूरी है। तो फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी फेस नॉर्मली क्या है आपको नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक होता है। अंडर आइडियल नॉर्थ इंडियन कंडीशन में अनार लगा देंगे तो आपको ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग स्प्रिंग फ्लश में होता है। स्प्रिंग फ्लश में होने के बाद सितंबर अगस्त सितंबर तक क्रॉप मैच्योरिटी के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इसमें प्रूनिंग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा एक लाइट प्रूनिंग आप देना है। जब आप एप्रल स्प्रे कर देंगे साथ साथ 1 or 2 days में प्रूनिंग दे सकता है। प्रूनिंग में हम लोग भी एक ट्रायल अभी चालू है इसका प्रूनिंग प्रैक्टिसेस किसान के लिए रिकमेंड करने के लिए। तो लाइट प्रूनिंग मीडियम प्रूनिंग हैवी प्रूनिंग ऐसा कैनोपी वॉल्यूम कैनोपी का ग्रोथ एंड उसको विगर का हिसाब से यह रिकमेंड करने पड़ेगा। ऐसे ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो अगर फुल्ली मेच्योर ऑर्चर्ड 5 years एंड अबो उसके लिए करने के लिए हम लोग का प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स में कुछ क्लू मिल रहा है। मीडियम प्रूनिंग ऑफ अबाउट 12 inch ग्रोथ फ्रॉम शूट टिप हम लोग उसको निकालना बहुत जरूरी है। आपका क्वेश्चन ये था है वेदर इट्स अ करंट सीजन बैरर और पास्ट सीजन बैरर। फ्रूटफुलनेस का कैटेगरी के हिसाब से अनार या डालिम इट्स अ करंट सीजन बैरर। बेसिकली इट्स अ करंट सीजन बैरर बहुत ज्यादा फ्लावर्स आपको करंट सीजन फ्लश से आता है लेकिन साथ साथ इसमें फ्लावर्स पास्ट सीजन शूट से भी आता है। शूट्स ऑफ अबाउट 6 to 9 months ओल्ड में ये आता है। ये आम्बिया मृग एंड हस्त डेकान प्लाटी में हम लोग जो बाहर रेगुलेशन कर रहे हैं उसका हिसाब से होता है। अगर मृग बहार ना हस्त बहार आप ले लेंगे तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्रॉप में आपको 30 to 40% फ्लावर्स आता है ओल्ड शूट से। अगर आप आंबिया बाजार ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स आपको करंट सीजन शूट से मिलता है 3 to 4 months शूट में मिलता है। इट्स इन जनरल इट्स अ करंट सीजन क्रॉप इसलिए ट्रेनिंग प्रूनिंग ढंग से करना बहुत बहुत जरूरी है अनार में। और सर इसमें एक और क्वेश्चन है सर इसमें फ्लावर रेगुलेशन जिसमें मेल फ्लावर्स का कभी कभार बहुत ज्यादा आते हैं तो ऐसी कंडीशन क्या करना चाहिए इनको अवॉइड करना चाहिए या फिर उनको रहने देना चाहिए। ना 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 वो मेल फ्लावर्स देखिए अनार इसका मोड ऑफ पॉलिनेशन एंड इट्स इसका फ्लावर मॉर्फोलॉजी आप देखेंगे तो सर ने बताया है 3 प्रकार का फूल होते हैं राइट। यस मेल फीमेल हर्माफ्रोडाइट एग्जैक्टली। तो इसमें सेक्स रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें 3 प्रकार का फूल होने से भी ओनली 2 are predominant sexes. One is your stamate flowers, that is male flower. दूसरा है आपको hermaphrodite flowers, bisexual ones. So third, it's a minor form of sex. वो क्या है? आपका intermediate flowers है. अब बहुत जगह पर ढूंढने पड़ेगा intermediate flowers कैसे होता है? That is tubular होते हैं और उससे कुछ malformed fruits होते हैं. They are deformed shape में मिलते हैं. लेकिन automatically क्या होता है? उसमें फ्रूट सेट का चांसेस 0.5 है इसका प्रोबेबिलिटी 0.5 तो इट मे सेट फ्रूट इट मे नॉट सेट फ्रूट तो चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा है। इसलिए अनार में आप देखिए सेल्फ पॉलिनेशन भी है एंड साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी है। ये इट्स एन ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप
ये आपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर्स भी हेल्प करवा देते हैं एंड इवन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स से भी पॉलिनेशन हो जाता है. तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा. आपका एग्जैक्ट स्पेसिफिकली क्वेश्चन क्या है अब ये पॉलिनेशन का बारे में कुछ बता रहे ना. एक्चुअली सर हाँ बोलिए. एक्चुअली सर क्वेश्चन ये है कि कभी कभार ना पोमोग्रेनेट में मेल फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं इवन मोर देन 50% मोर ऑफ द मेल फ्लावर्स ना. अगर नया बगीचा हम जब भी लगवा देंगे शुरुआत में क्या है एंडोजेनस हार्मोनल इंबैलेंस होने का चांस है पौधा में अनार में. एंड इट डिपेंड्स अपॉन वो जो एरिया पर आप लगाया है उसका तापमान क्या है उस एरिया का साइज क्या है आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है एंड कौन सा टाइप ऑफ प्लांटिंग मटेरियल आप यूज करवा रहे हैं वेदर इट इज आप बूटी से पौधा बना के लगवाया ना हार्डवुड कटिंग रेज प्लांट्स आप यूज करवा रहे हैं इवन टिश्यूकल्चर मटेरियल इसका हिसाब से एंड इवन क्या क्या साइंटिफिक मेथड में आप उसको गड्ढा में जो कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड न्यूट्रिएंट्स और कद आप डाला ना नहीं डाला ये सारा चीज डिसाइड करवा देता है. उसका सॉइल फैक्टर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स ये सारा डिसाइड करवा देता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है फर्स्ट फ्लश जो होता है उसमें मेजोरिटी आप देखेंगे तो मेल फ्लावर्स शुरुआत में आ जाता है. ऑटोमेटिकली हार्मोनल बैलेंस होने के बाद वो मेल फ्लावर्स जितना भी आया है वो ड्रॉप हो जाता है. ड्रॉप होने के बाद फर्स्ट बाहर रेगुलेशन थर्ड ईयर में आप जोड़ लेते हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. एंड उसके लिए क्या है साइंटिफिक मेथड में हम लोग न्यूट्रिशन से लेते ट्रेनिंग प्रूनिंग से लेते एडिक्वेट रेस्ट स्ट्रेस ये फॉलो कर पाएंगे इस चीज को हम लोग अवॉइड कर सकता है. और सर अनमैच्योर फ्रूट ड्रॉप भी होता है सर उसका क्या कर सकते हैं फ्रूट साइड होने के बाद अगर वो इमैच्योर फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो ऐसी कंडीशन क्या कर सकते हैं. अनार में आप देखिए आपको जैसे रेस्ट स्ट्रेस करके आपको क्रॉप रेगुलेशन शुरू हो जाएगा. क्रॉप रेगुलेशन में शुरुआत में जैसे डॉक्टर बैसम सर ने अलग अलग स्टेजेस को बताया है तो इसमें आपको डिफोलेशन हो जाएगा फर्स्ट वीक टू 10 डेज का अंदर. तो डिफोलेशन होने के बाद नेक्स्ट 2-3 वीक्स में आपको न्यू लीव्स इनिशिएट हो जाएगा न्यू फ्लश ग्रोथ हो जाएगा. किसान कहता है चौकी नौकी ऐसा ये चौकी नौकी होने के बाद फ्लावर बड इनिशिएशन शुरू हो जाएगा. फ्लावर बड डिफरेंशिएशन उसका पहले हो जाएगा. फ्लावर बड डिफरेंशिएशन में भी कुछ हार्मोन्स लाइक फ्लोरिजन ऐसे कुछ हार्मोनल मेटाबॉलिज्म भी इसको डिसाइड करवा देते हैं. उस बेसिस में जब आपका फ्लावर बड इनिशिएशन चालू हो जाएगा उसके बाद 3 हफ्ता में फ्लावर बड मेच्योर हो जाएगा तो ये डिसाइड करता है इसको फ्लावरिंग को. तो इस चीज को भी ध्यान देना जरूरी है. थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग मी. थैंक यू. ओके धन्यवाद डॉक्टर बाबू. इसी के साथ हमने सारे सवाल खत्म किए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सारे वैज्ञानिकों का. वैसे हमने धन्यवाद प्रस्ताव पहले ही हो चुका है और इसके बाद मैडम आपके अनुमति से हम ये प्रोग्राम क्लोज करना चाहेंगे आज के लिए. थैंक यू. थैंक्स. धन्यवाद. कल के जो प्रोग्राम है उसकी स्लाइड रन कर रहे हैं उनको भी देख सकते हैं. किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए. विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें. किसान ऐप डाउनलोड करें.